आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का ये विषय जिससे हम सभी भारतीय बहुत अधिक परिचित रहते हैं, रोजमर्रा के जीवन में इन शब्दों का अक्सर हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के कारण हमें कभी उसमें कभी संशय नहीं हुआ कि जिन शब्दों का, जिन अवधारणों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनके पीछे के अर्थ क्या हैं या वो शब्द आपस में संबंधित कैसे हैं, इस बात के हम लोगों ने बहुत कम विचार किया। हालांकि शास्त्रीय दृष्टि से अगर आप इन शब्दों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी परिभाषाएं आपको स्मरण भी होंगी, आप उनको कोट भी करते होंगे समय समय पर, लेकिन जब उनके अंतर संबंधों पे हम बात करने लगते हैं तो ये लगता है कि ये एक समस्या हमारे सामने है, एक संदेह हमारे सामने आता है, एक अस्पष्टता सी आती है। और समस्या एक ऐसी तरह की भावना है, एक ऐसा अनुभव है कि आप उसको महसूस करें तो वो समस्या है, नहीं तो वो समस्या महसूस ही नहीं होती। समस्या उसको सिद्ध करना भी बड़ा मुश्किल होता है और विशेष रूप से ज्ञान के संदर्भ में तो ये एक अपने आप में बहुत कठिन सी और अजीब सी बात हो जाती है। तो सबसे पहले तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि मैं जो कुछ अगले लगभग 10-12 मिनट में आप लोगों के साथ साझा करूंगा उसको अगर आप प्रश्न के रूप में परिभाषित करके तब आप उसके ऊपर अपनी टिप्पणी, अपना उत्तर, अपना प्रत्युत्तर जो भी देना चाहें तो दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं अभी तक कई विषयों को लेकर के संदेह में हूँ कि ये वस्तुतः प्रश्न सही भी बन रहा है, उचित भी बन रहा है, युक्ति युक्त भी है या नहीं है। तो चलिए सीधा विषय की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि हमने दो शब्द की शास्त्रीय और लोक व्यवहार में कर्म, कार्य और क्रिया के अंतर संबंधों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसमें जो हमें आदेश मिलता है वो सबसे पहले कहाँ से हमें रेफरेंस मिलता है, तैतृय उपनिषद में कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा, और किनसे पूछने का हमें आदेश मिलता है, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिना युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्मकामा। अलूक्ष हैं आप सभी, इसीलिए आप सभी को आमंत्रित किया है, सहृदय है, संवेदनशील है, इसीलिए आप सभी को आमंत्रित किया है कि आप हमें ज्ञान, हमारा ज्ञान का मार्ग जो है वो प्रशस्त करें और हम ताकि तद अनुकूल व्यवहार कर पाए जैसा आप लोगों ने हमारे लिए ज्ञान का मार्ग निश्चित किया हो, और कब, जब कर्म विचिकित्सा। अब इस कर्म विचिकित्सा को लेकर के आप बिल्कुल लगभग सेंटर में आ जाइए, ये वाला जो है यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि कर्म के बारे में एक सामान्य बात है, क्री धातु से है, कर्म भी क्री धातु से है, क्रिया भी क्री धातु से है और कार्य भी क्री धातु से है। अब इसके दोनों पक्षों को हमने देखना है, इसका शास्त्रीय पक्ष क्या हमें बताता है और इसका लोक व्यवहारिक पक्ष हमारे लिए क्या है, जिसकी मैं कुछ चर्चाएं आपके साथ बहुत जल्दी करूंगा। लेकिन उससे पूर्व एक रुचिकर बात आप देखिए, और मैं चाहूंगा कि उस पर भी अगर बीच में टिप्पणी मिले बहुत संक्षिप्त सी आप लोग करें, कि कर्म का जो देवता है, क्योंकि ऐसे ही ध्यान आया कि भाई इनका कोई ना कोई अधिष्ठाता देवता भी होगा, क्योंकि संस्कृत की परंपरा, संस्कृत का इतिहास ऐसा है जो देवता के बिना नहीं चलता। तो कर्म का जो मुझे ध्यान करने पर मिला वो यम जो है वो कर्म के देवता है और क्रिया के देवता जो है वो गणपति हैं। सामान्य रूप से आप इसको संप्रदाय के अनुसार आप इसको कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये कार्य के देवता होते हैं, सर्व कार्येषु सर्वदा, और कार्य के जो देवता हैं वो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो विश्वकर्मा हैं वो आपके कार्य के अधिष्ठाता देवता हैं। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इसमें एक अपनी तरह की रुचि और बन जाती है। और इसके साथ आप साहित्य, साहित्य शास्त्र, दर्शन, जैन, बौद्ध, वेद, पुराण, व्याकरण, तंत्रागम, जहां से भी आपको ये बात समझ में आती हो, इन तीनों के स्वरूप को, सार को और इनके अंतर संबंधों को स्पष्ट करने में जो वो भी ज्ञान सहायक हो सकता है उसे हमारे साथ साझा करें। लेकिन इसके साथ एक पक्ष और भी है कि क्योंकि हम संस्कृत केंद्र में, संस्कृत को केंद्र में रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो रुचियां हैं वो विज्ञान में भी हैं। तो वहां पर अगर आप विज्ञान की दृष्टि से इस वर्क को देखें, कार्य को, तो वर्क
W is equal to the force F times the distance D. जैसे कि ये आप नीचे एक फॉर्मूला में देख पा रहे हैं, W is equal to FD. और इसी तरह से आप दूसरी तरफ क्रिया को देखें, क्योंकि हम सामान्य रूप से क्रिया को क्रिया के रूप में देखते हैं, उसको कभी प्रतिक्रिया के रूप में हम लोगों ने शास्त्रों में सामान्य रूप से नहीं देखा. तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ, उसको अगर आप देखें तो आपको यहाँ दिखाई देता है कि जो फॉर्मूला उनका एक्शन का है, एक्शन एंड रिएक्शन का फिजिक्स में, वो क्या है कि वेयर एफ रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड ए एंड बी रिप्रेजेंट द मोस्ट द टू ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व. दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इस न्यूटन के इस थर्ड लॉ को भी हम अपनी शास्त्रीय चर्चा में, मुझे लगता है, हमें लेना चाहिए और समझना चाहिए. एक छोटा सा पक्ष जो बिल्कुल अभी अभी मेरे सामने उभरा और मैंने अभी एडअप किया, इसीलिए ये सेटिंग थोड़ी सी हिल गई है, वो है कि क्या केवल कर्ता ही कर्म, कार्य और क्रिया का केंद्र होता है, अथवा कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता संवेद रूप से केंद्र है इसके. क्योंकि हम अक्सर क्रिया जो करता है उसकी स्वतंत्रता को ही सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कर्ता एक साथ ही भोक्ता भी होता है और एक साथ ही वो ज्ञाता भी होता है. तो हम वस्तुतः क्या उसे बोधित करना चाहते हैं. थोड़ी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और जल्दी से इस सारी बात को स्पष्ट करके फिर आप लोगों को सादर आमंत्रित करूंगा कि इस सारे विषय के ऊपर आप लोग अपनी चर्चा करें. देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं वो तीन, कर्म और कार्य का, कार्य और क्रिया का, कर्म और क्रिया का. और इसमें जब आप कर्म के पक्षों को देखने लगते हैं, ये सारे के सारे पक्ष तो नहीं, आयाम तो नहीं है, आप चर्चा करते हैं कर्म फल की, कर्म कांड की, कर्म मल की, कर्म के जो पांच भेद वैशेषिक में है, यज्ञ कर्म, अभीष्टतम कर्म, व्याकरण की दृष्टि से ये सब चर्चाएं करते हैं, आप सब जानते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना. और इसी तरह कार्य को जो है आप शब्द प्रयोग करते हैं सांख्य की दृष्टि से, स्किल्स की दृष्टि से, कार्य कुशलता की दृष्टि से, सत्कार्यवाद आदि आदि, इन सब चीजों का आप कारण कार्य आदि का प्रयोग करते हैं. और इसी तरह से क्रिया जो है वो आप जानते हैं, कर्मक और सकर्मक, लकारों के रूप में भी वो आपको दिखाई देती है और छह भाव विकारों के रूप में भी, अस्थि जायते वर्तते जिसे आप कहते हैं. तो इस सारी बातों को भूमिका के रूप में आप ध्यान रखें. अब इस चीज को थोड़ा सा और गहरे से समझें, क्योंकि जब मैं फिजिक्स को भी टटोल रहा था तो मुझे कई सारी चीजें मुझे लगा कि हमें देखनी चाहिए. तो जो इस कार्य, क्रिया और कर्म के जो घटक तत्व हैं वो कौन से हो सकते हैं, तो कार्य को, इसको थोड़ा सा आप देखते जाएंगे तो समय बच जाएगा, तो मुझे सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर फोकस रहें. तो कार्य के अगर आप घटक तत्वों को देखें तो उसमें ऊर्जा सबसे पहला घटक तत्व है जो कि आवश्यक है किसी कार्य को करने के लिए. डिस्प्लेसमेंट है उसमें, फोर्स है, और टाइम है, और रिजल्ट उसका कोई ना कोई होता है. और इसी तरह क्रिया के जो घटक तत्व है उसमें चेंज मुख्य है, एक प्रोसेस, प्रक्रिया का भाव मुख्य है, घटक है, गति है उसमें, ऊर्जा का स्थानांतरण है, और समय है. और अब कर्म शब्द, हालांकि फिजिक्स में कर्म शब्द इस तरह से प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन आप कर्म को जब देखने लगते हैं, मूल्यांकन करने लगते हैं, तो आप देखें कि उसके घटक तत्वों में निश्चित रूप से गति, मोशन भी है, एनर्जी भी वहां पर आपको मिलेगी, फोर्स भी आपको मिलता है, डायरेक्शन भी मिलती है, और अवधि भी मिलती है. तो ये घटक तत्व है जिनको हमें ध्यान में रख करके अपनी बात आरंभ करनी चाहिए. ये कुछ प्रश्न थे जिनको मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था जब मैंने नोट लिखा था, तो आपने वो पढ़े ही होंगे, मुझे उसके बीच में नहीं जाना, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर आप ध्यान दें और इनको संबोधित अगर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा. अब इसके बीच में जो थोड़ा गहरा विषय है जिस वजह से आप लोगों को सादर आमंत्रित किया है, वो है कि इस कार्य, कर्म, कार्य और क्रिया के संदर्भ में तीन विषय जो है वो महत्वपूर्ण है. दार्शनिक दृष्टि से, दार्शनिक विषय से संबंधित कौन से हैं, आध्यात्मिक विषय कौन से हैं, और व्याख्यात्मक विषय कौन से हैं. दार्शनिक विषयों में जब आप लेंगे तो नियति बनाम स्वतंत्र इच्छा, ये आपको लेना पड़ेगा कि क्या कर्म हमारे कार्यों और परिणामों को निर्धारित करता है और हम अपने कार्यों और भविष्य को आकार देने के लिए स्वतंत्र इच्छा रखते हैं.
फिर इसका जो दूसरा पक्ष है, सेकंड डायमेंशन, वो है नैतिक दायित्व आपका, कि क्या हम अपने कार्यों और उनके परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं, या हम हमारे कर्म हैं जो परिणाम निर्धारित करते हैं। और तीसरा इसका जो पक्ष है वो कारण और परिणाम है, जिसका मतलब है कि हमारे कार्य या क्रिया हमारे कर्म को कैसे प्रभावित करते हैं और इसके विपरीत कैसे वो प्रभाव डालते हैं। और इसके जो व्यवहारिक विषय हैं उनको भी हम ध्यान दें कि उद्देश्य बनाम कार्य, कि उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम कार्य करते हैं, या कार्य करते करते जो है वो उद्देश्य की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं और एक इच्छा के वशीभूत होकर के हम कार्य करते हैं और उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। और इसी तरह परिणाम बनाम उद्देश्य, क्या हम अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान देना चाहिए या उद्देश्य पर। प्रयास बनाम नियति, इसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में कितना नियंत्रण रखते हैं और कितना नियति द्वारा निर्धारित होता है। और आध्यात्मिक विषय के रूप में आप सभी जानते हैं कि पुनर्जन्म, उसमें कर्म कार्य और क्रिया का क्या रोल रहेगा, मोक्ष के संदर्भ में आपके कर्म और कार्य क्रिया का क्या रोल रहेगा, और व्यक्तिगत विकास में आपके कर्मों का रोल रहेगा, क्रिया का रहेगा और कार्य का रहेगा। अब इसके विषय में जो तीसरा और अंतिम पक्ष है वो है संदर्भीय समझ, कॉन्टेक्स्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि इन कर्म कार्य और क्रिया जो है इनके सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ क्या है और वो हमारी समझ को कैसे प्रभावित करते हैं, इनकी शास्त्रीय व्याख्या क्या है, क्योंकि अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, वो किस तरह से इनकी व्याख्या करते हैं और उनके निहितार्थ क्या है, और फिर कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं उनको हम कैसे इसके बारे में वो हमें क्या समझ देते हैं, इस बात को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब जो कि मैंने कुछ बातें और भी आपके साथ साझी की थी कि जैसे हर परिभाषा जो है उसमें कुछ उसकी कुछ एक क्या कहेंगे, उसका एक सिस्टम होता है कि कोई भी परिभाषा अव्याप्ति या अतिव्याप्ति या असंभव दोष से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए, उन दोषों से मुक्त होनी चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पर आप ये देखें कि मैं कुछ आपको समानता या अतिव्याप्ति की दिखा रहा हूं, कि तीनों शब्दों का मूल अर्थ क्रिया या कार्य से जुड़ा हुआ है, कर्म कार्य और क्रिया तीनों ही किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को दर्शाते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, तो ये एक तरह का ओवरलैपिंग होने लगती है। इन तीनों शब्दों में क्रिया की भावना शामिल है। अब ये भी बात को देखिए कि जो किसी कार्य को करने की प्रक्रिया को दर्शाती है, तो आप चाहे कर्म कहें कि नहीं नहीं कर्म अलग होता है, तो किस अर्थ में वो फिर अलग होगा। इसी तरह विरोधाभास को भी देखें कि कर्म का अर्थ अधिक व्यापक है, जिसमें किसी कार्य के परिणामों का भी समावेश होता है, जबकि कार्य और क्रिया का अधिक अर्थ विशिष्ट है। कार्य का अर्थ उद्देश्य विशेष को पूरा करने से जुड़ा है, जबकि कर्म और क्रिया का अर्थ अधिक सामान्य है। क्रिया का अर्थ तीसरा जो है, क्रिया का अर्थ किसी कार्य की प्रक्रिया से जुड़ा है, जबकि कर्म और कार्य का अर्थ कार्य के परिणामों से जुड़ा है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। और इस सभी के संदर्भ में स्थितियां तब अतिव्याप्त हो जाती हैं जब कोई कार्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो कर्म और कार्य और क्रिया तीनों शब्द उपयुक्त हो जाते हैं। गीता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब किसी कार्य की प्रक्रिया में क्रिया और कर्म दोनों शामिल हो तो ओवरलैप हो सकता है। और तीसरा, जब किसी कार्य के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है तो कर्म और कार्य दोनों शब्द उपयुक्त हो जाते हैं, हो सकते हैं। तो ये भी बात हमें थोड़ा सा देखना होगा। ये कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं जो अपने उसमें भी आप लोगों के साथ साझे किए थे, जहां पर शास्त्रीय दृष्टि से जो है वो अतिव्याप्ति और विरोधाभास जो प्रतीत होते हैं अपनी मेरी अल्पज्ञता के कारण, हालांकि वहां नहीं होगा क्योंकि हमने सब कुछ तो पढ़ा नहीं होता, और फिर उतना प्रातिप ज्ञान भी नहीं होता कि इन सभी के जो है इन तत्व समन्वय सूत्र को ध्यान में रखते हुए इन सब का जो है वो समन्वय देख पाए। तो इसीलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि इन बातों को भी आप थोड़ा सा स्पष्ट करें कि ये जो भगवद गीता में कर्मण्येवाधिकारस्तेषु वाला ये जो श्लोक है, वहां पे कर्म क्रिया का भी अर्थ देता है, लेकिन महाभारत के शांति पर्व में जब आप कार्यम तु फलम इच्छति, यहाँ कार्य और कर्म दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग होते दिखाई देते हैं। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में जब क्रिया तु क्रियार्था,
यहाँ क्रिया और कर्म दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग होते दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जिनकी स्पष्टता आप लोगों से अभिप्रेत है। लोक जीवन से भी आप उदाहरण देख लीजिए, वहां पर आप कर्म करते हैं, मैंने ये सारे उदाहरण दे रखे हैं, लेकिन अब उसमें ज्यादा नहीं मैं जाता। लेकिन आप यहाँ इसको नीचे, सबसे नीचे देखिए, क्योंकि समय की सीमा मैं रख रहा हूं अपने लिए, कि यहाँ पर भी अतिव्याप्ति आपको दिखाई देगी। अतिव्याप्ति क्या है कि आप अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं, यह कर्म और क्रिया दोनों है, क्योंकि आप कुछ बनाने के लिए काम कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। आप अपने लिए, दूसरा, आप अपने लिए काम पर जाते हैं और अपने कार्यों को पूरा करते हैं, यह कर्म और कार्य दोनों है, क्योंकि आप अपने काम के लिए जिम्मेदार हैं, दायित्व तो आपका है और एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारे विषय हैं जहां पर ये, जिसकी वजह से मुझे ये अस्पष्टता है, और उसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों से ये निवेदन किया। ये अंतिम स्लाइड है और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रमेश वर्मा जी जुड़े हैं जो कि फिजिक्स से हैं, तो मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि इन तीनों शब्दों को, इन तीनों टर्म्स को फिजिक्स की दृष्टि से वो कैसे स्पष्ट करेंगे, इस बात को, इसके ऊपर वो टिप्पणी जरूर बीच में करेंगे। लेकिन जो मुझे इस सारे विषय में समझ में आया वो यहाँ पर आप संक्षेप में देख सकते हैं, बाकी तो सारी व्याख्या है। कि अगर हम इसको संस्कृत शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में लेकर के जाएं, तो आपको ये दिखाई देगा कि कार्य जो है वो ऊर्जा मल्टीप्लाइड बाय दूरी, जैसे कि उनका अपना फॉर्मूला है ही है, W इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय D। फिर उसमें कर्म को भी आप शास्त्रीय पक्ष से इस तरह से कर सकते हैं कि ऊर्जा अब्लिक समय और एनर्जी, और क्रिया जो है उसको कर्म मल्टीप्लाइड बाय समय, C इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय T। तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा भी है कि इन समीकरणों में W कार्य को दर्शाता है, K कर्म को दर्शाता है, C जो है वो क्रिया को दर्शाता है, E ऊर्जा, और D जो है वो दूरी को, और T समय को दिखाता है। तो कुल मिलाकर के जो इसका फॉर्मूला बनता है शास्त्रीय पक्ष से फिजिक्स के लिए, वो बनेगा C इज इक्वल टू ब्रैकेटेड E मल्टीप्लाइड बाय D ऑब्लिक T। तो इस, पता नहीं सही है गलत है जो भी है, लेकिन जरूर मुझे लगता है कि डॉक्टर रमेश जी जो हैं इस विषय पे हमें स्पष्टता देंगे। तो कुल मिलाकर के ये इतनी ही समझ थी, लेकिन इस विषय को स्पष्टता से समझाने के लिए मैं सबसे पहले निवेदन कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को, जो कि भूतपूर्व, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के, कि वो इस सारे विषय को बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये प्रथम चर्चा है, अगर इसमें लगेगा कि हमें आवश्यकता है तो फिर इसका पार्ट 2 पार्ट 3 हम करने का करेंगे, अवश्य करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि बहुत संक्षिप्त जो है इन सब विषयों के ऊपर टिप्पणी, इसमें दिशा निर्देश क्या होंगे और इसमें कहाँ हमें स्पष्टता है या क्या हमें कैसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षेप में अपनी बात वो रखें। और उसके बाद प्रोफेसर अविनाश चंद्र जी बौद्ध दर्शन की दृष्टि से जी, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी। आ ब्रह्मांड पिपिलिकांत तनुभित सुदृम भमाणास्फुटम जाग्रह स्वप्न सुसुप्ति भासकतया सर्वत्रया दिव्यति सा देवी जगदंबिका भगवती श्री राज राजेश्वरी आनंदम आनंद कलम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निर्बोध रूपम योगिंद्र मिड्यम भवरोग वेद्यम श्रीमद गुरु नित्यमहं भजामि। आज की इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वद्वर्य को मैं प्रणाम करके अपनी बात संक्षिप्त में रख रहा हूँ। आपने जो यहाँ जो तीनों शब्दों में क्रिया कर्म और कर्ता की बात की, तो ये जो इसमें दो तीन अर्थ होते हैं, एक तो सामान्य भाषा में जिसका अर्थ है कि कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, और एक शास्त्रों में अपना पारिभाषिक अर्थ होता है कि शास्त्रों में अर्थ अपना पारिभाषिक होगा तो दर्शन अपने अपने अर्थों की व्याख्या करते हैं। जैसे हम न्याय में जाएंगे तो कहते हैं कि कर्म जो है वो 5 तरह का होता है, वो कहते हैं कर्म जो है वो 5 तरह का होता है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो उन्होंने अपनी अलग परिभाषा की,
पर जब मीमांसा में जाएंगे तो मीमांसा कर्मे मीमांसका, तो उदयनाचार्य अपने मुक्ता उसमें न्याय सिद्धांत में कुष्मांजलि में कहते हैं कि कर्ता की व्याख्या न्याय दृष्टि से की जाती है, कि जगत का जो कर्ता है यानी हर आदमी हर जीव एक कर्ता है और उसमें कर्तृभाव होता है, वो क्रियाओं को करता है, तो क्रिया को जो करने वाला वो कर्ता प्रधान होता है, इसलिए जब भी आप कोई अर्थ करें तो कर्ता की दृष्टि से व्याख्या करें। तो ये नैयायिक ऐसा करते हैं, मीमांसक इसके विपरीत आते हैं और वो कहते हैं कि हर बात को आप कर्म की दृष्टि से व्याख्या करें, कर्म प्रधान होता है, कर्ता का कोई प्राधान्य नहीं है। वेद के जितने भी वाक्य हैं उन सब में एक क्रिया है, सब वाक्य में एक क्रिया है, भावना है, उस भावना को हर वेद वाक्य में क्रिया होती है। तो जब हम भाषा का विवेचन करेंगे तो भाषा के विवेचन में क्रिया मुख्य है, कर्ता मुख्य है या कर्म मुख्य है? तो व्याकरण में हम कर्तृवाच्य भाववाच्य और कर्मवाच्य बोलते हैं, तीनों तरीके से हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें प्रधान कौन सा है? तो जो न्यायी कहते हैं कि कर्ता प्रधान होता है और वो क्रिया करने वाला है, वो स्वतंत्र करता है, तो इसलिए उसको प्रधान मान के आप चलिए। तो अब क्रिया करता है वो क्या बिना क्रिया के हो सकता है? तो क्रिया उसमें जुड़ी हुई रहती है कि जो क्रियावान है वही करता है, जो कर्ता कार्य करने में स्वतंत्र है वही कर्ता कहलाता है। तो क्रिया प्रधान है या कर्ता प्रधान? तो न्याय दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो कर्ता प्रधान होता है, और उन्होंने इसका ऐसे ही विवेचन किया कि कर्ता को प्रधान मानते हैं और वो इसलिए कर्म को वो गुण मानते हैं। वो कहते हैं कि पदार्थ में गुण के रूप में द्रव्य किसे कहेंगे जिसमें गुण और कर्म रहते हो, तो वहाँ गुण जो है और कर्म कर्ता के अंदर रहते हैं, इसलिए उसको गौण रूप में मानते हैं कि वो उसका पांच तरह के कर्म हो सकते हैं और वो हमेशा द्रव्य में रहेंगे, वो स्वतंत्र है ही नहीं। तो ये एक न्याय की दृष्टि है, जो एक न्याय की दर्शन की दृष्टि है। अब मीमांसा की जो दृष्टि है कि मीमांसा में माना गया कि भावना मुख्य होती है, कि भावना जो है वो मुख्य होती है और प्रत्येक वाक्य जो है वेद का प्रत्येक वाक्य कोई ना कोई हमें विधि दे रहा है, विधि क्या दे रहा है, ऐसा करो, तो वहाँ क्रिया भावना मुख्य होती है। तो उन्होंने कर्म की बात जो है उन्होंने कि समूचा कर्मकांड और वेद को कह दिया कि सब कुछ कर्मकांड इसमें प्रधान है और अधिकतर मंत्र हमारे प्रत्येक भाषा में कर्म के होते हैं। इसके बाद में जो तीसरा मत आता है व्याकरण दर्शन का, तो व्याकरणों ने कहा कि देखिए ये जो प्रश्न है आपका कर्ता कर्म और क्रिया, इसमें प्रधान क्रिया होती है, क्योंकि यास्क ने कहा था कि सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम, कि सत्ता जहाँ प्रधान होती है वो द्रव्य कहलाते हैं, पर क्रिया जो प्रधान होती है उसको आख्यात कहते हैं, भाव प्रधानम आख्यातम, कि भावो है वही धातु अर्थ है। हम क्रिया को जब देखते हैं तो क्रिया में दो शब्द हैं, एक तो प्रकृति एक प्रत्यय है, प्रत्यय जो होता है धातु, तो धातु के दो अर्थ होते हैं, एक फल और व्यापार, यानी फल और व्यापार अर्थ होते हैं कि कोई भी क्रिया बिना फल के नहीं, उसका कोई ना कोई फल होता ही है और कोई उसमें क्रिया की जाती है उसको व्यापार कहते हैं, तो फल और व्यापार दोनों धातु के अर्थ होते हैं। अब जो उसमें प्रत्यय होता है उस प्रत्यय के वो कहते हैं दो तीन अर्थ होते हैं, उसमें आश्रय अर्थ होता है उसका कि क्रिया किस में हो रही है और उसका काल क्या है, क्योंकि इन दोनों शब्द में अंतर क्या है कि जहाँ आप क्रिया का प्रयोग करेंगे उसमें काल निश्चित रूप से रहेगा। तो भर्तृहरि ने पूरा एक प्रकरण लिखा बाक्यपदी में, काल समुद्देश लिखा, क्रिया समुद्देश लिखा और एक उन्होंने साधन समुद्देश लिखा। उनका यह मानना था कि प्रत्येक वाक्य में, कोई भी दुनिया का वाक्य हो जिसमें क्रिया नहीं होगी तो वाक्य नहीं बनेगा, यानी कोई भी संस्कृत का वाक्य, हिंदी का वाक्य, किसी भी भाषा का वाक्य है, अगर उसमें क्रिया नहीं है तो वाक्य नहीं बनता, कम से कम क्रिया होनी चाहिए। एक तिंग वाक्यम, एक तिंगंत का प्रयोग होगा तो वाक्य पूर्ण होगा, नहीं वाक्य पूर्ण नहीं होता है। तो क्रिया प्रधान होती है, उस क्रिया से हम छह कारकों को जोड़ते हैं, कर्ता कर्म करण संपदान अपादान और अधिकरण, संबंध को कारक नहीं माना जाता, तो प्रत्येक वाक्य में कम से कम एक क्रिया होनी चाहिए। तो क्रिया जो है हमारी मुख्य होती है प्रत्येक भाषा में, और जीवन में भी हमारी एक क्रिया चलती है, वो जो क्रिया है वो प्राण क्रिया चलती है, जब से हम जन्मे हैं और जब तक मरेंगे तो एक क्रिया कंटिन्यू चलेगी, उसको प्राण क्रिया कहते हैं। श्वास तो चलते रहेंगे और कुछ चले नहीं चले, हमारा श्वास कंटिन्यू करेंगे, तो प्राण क्रिया जो है वो इंद्रिय मन प्राण, तो प्राण जो है हमारा हमेशा कंटिन्यू करेगा, तो वो क्रिया जो हमारे अंदर प्रधान मानी जाती है। तो अब जब क्रिया को हम प्रधान मानते हैं तो कुछ दर्शन जैसे तंत्र वगैरह में क्रिया को प्रधान शक्ति माना गया, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, इसमें प्रधान चीज क्रिया है। मीमांसा इसके साथ में, मीमांसा कहती है कि ज्ञान भी एक क्रिया है, ज्ञान और इच्छा कुछ भी नहीं है, वो ज्ञान भी एक क्रिया है, ज्ञानम तो मानसिक क्रिया, श्लोक वार्तिक में वो कहते हैं ज्ञान जो है वो मानसिक क्रिया कहलाती है, कि ज्ञान स्वयं क्रिया है। तो जिन लोगों ने क्रिया को प्रधान दिया उनकी व्याख्या अलग है, जिन्होंने कर्म की प्रधानता दी उन्होंने अलग है। तो ये जो व्याख्याएं जो हम तीनों की हम अलग अलग तरह से करें, अब जैसे ही अब इसमें जो कर्ता कर्म करण और संपदान अपादान आएंगे तो हमारा उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के साथ में इसका लक्ष्य बदल जाएगा। तो जितने भी
धर्मशास्त्र में आप जाएंगे इस व्याख्या को लेकर के या दर्शनों में जाएंगे तो केवल चार्वाक दर्शन को छोड़ करके जितने भी दर्शन हैं वो सभी दर्शन कर्मवाद के सिद्धांत को मानते हैं। कर्मवाद का अर्थ है कि जो भी हम करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जब तक हम जिएंगे हमें कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि गीता भी इसको कहती है कि न जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कि कोई भी प्राणी है तो उसमें क्रिया तो कंटिन्यू रहेगी जब से जन्म मृत्यु तक। कोई भी आत्मा जीव है उसमें क्रिया कंटिन्यू रहेगी और एक क्षण भी क्रिया बंद नहीं हो सकती, क्रिया बंद होने का नाम मृत्यु है। तो जब तक जीव है ना तो क्रिया चलेगी। अब उस क्रिया का जो हम जो हमारी कंटिन्यू जो क्रिया चल रही है, अब उस क्रिया का जो फल होता है उस फल को हम देखें कि उसका उद्देश्य सही था या बुरा था, तो उसके अनुसार हम उसको कहते हैं कि जो करा है उसका हमें फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया फल दे के जाएगी और जो हमने किया नहीं है उसका फल हम नहीं भोगेंगे। इस सिद्धांत को कर्मवाद कहते हैं। तो वो कहते हैं कि नाभुक्तं शीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। तो कर्मों को हम दो तरह से बांटते हैं, शुभ और अशुभ। मनुस्मृति में 10 तरह के कर्म कहते हैं कि जो हम 10 तरह के जो कर्म है हम कुछ लेना चाहते हैं, मतलब किसी का धन इच्छा हम, तो वो कहते हैं शरीर एक तो शारीरिक कर्म है, एक मानसिक कर्म है और एक वाचिक कर्म है। तो वाचिक कर्म में उन्होंने कहा कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो और बकवास मत करो। तो ये चार उन्होंने कहा कि ये वाणी से संबंधित है। इन कर्मों की व्याख्या मनु करेंगे, इनका कोई इनको अर्थ तो होगा, इनका फल भी होगा। तो इसमें क्या करना है नहीं करना है, सत्य बोलना है असत्य नहीं बोलना है, दूसरों की निंदा नहीं करनी, प्रशंसा कर सकते हैं, झूठ नहीं बोलना है। तो वो कहते हैं इस तरह से हम वाणी के ऊपर हम अपना धर्मशास्त्र की टीक इसी पर है, क्योंकि यही पुण्य और पाप कहलाते हैं। तो इस जो पुण्य पाप का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, ऐसे ही वो कहते हैं कि इच्छा में भी हो सकता है कि आप किसी का धन खाना चाहते हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, और तो उसका भी एक फल होगा और उसका भी एक फल होगा। और इसी तरह आप वास्तव में किसी का धन ले लेते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हिंसा करते हैं, तो परस्त्रीगमन करते हैं, तो वो शारीरिक कर्म है। तो तीन तरह के कर्म है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। इसी पर पूरा धर्मशास्त्र इसी की व्याख्या करता है कि क्या क्या कर्म शारीरिक है, कौन सा मानसिक है, कौन कौन सा वाचिक कर्म है। इन तीनों का आत्मा के तीन ही लक्षण, जैसे वो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति। तो ये तीनों जो प्रश्न है अलग लेने नहीं किए जा सकते कि आप कर्ता को और कर्म को और इच्छा को इनको जो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों हमेशा नित्य संबंध है इनका आपस में। कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य में ऐसा वाक्य हो ही नहीं सकता कि जिसमें कर्ता नहीं हो। ऐसा वाक्य कर्ता बिना भी चल जाए, मतलब उसको अनुक्त कर्ता बोलते हैं, पर क्रिया होनी जरूरी है। क्रिया आप न बोले खाली मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें क्रिया नहीं बोला पर उसका वो अर्थ हम निकाल लेते कि बिना कर्ता के तो क्रिया होती ही नहीं है ना। तो कर्ता उसमें अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ बोला नहीं गया, तो उसी को हम कर्तृवाद से, भाववाद से और कर्मवाद से कहते हैं कि जिसको नहीं बोलना चाहें मत बोले, पर वाक्य में क्रिया प्रधान है। तो जब क्रिया प्रधान हो गई तो क्रिया का जो ये अर्थ है, एक तो क्रिया का अर्थ हो गया, दूसरा जो है अब आध्यात्मिक कर्म, आधिदेविक कर्म, आधिदेविक कर्म, इसी तरह भी इसकी व्याख्या करते हैं कि जो ज्ञान का कर्म है वो, इसलिए इसको अकर्मक कहते हैं कि मान लीजिए मैं सो रहा हूँ तो उसमें अकर्मक क्रिया कहते हैं, कि ज्ञान जो है सो रहा हूँ मैं तो सोने में कोई कर्म नहीं होता। कर्ता का इष्टतम कर्म है, ये व्याख्या है कि कर्ता का इष्टतम कर्म है। अब शास्त्रों में क्या है, इन कर्मों को जब हम व्याख्या करते हैं तो एक दूसरे के जगह प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, इस तरह से व्याख्या करते हैं। और जब एक आपने प्रश्न उठाया इसमें कार्यवाद का, कि कार्य और कारण का जो संबंध है, अब कार्य का संबंध जो है उसकी व्याख्या भी हर दर्शन में अलग हो जाती है। कार्य क्या है, तो जो असत्कार्यवाद है ये न्यायिक मानते हैं कि कार्य उसे कहते हैं जो इसका जन्म हुआ इसलिए इसकी मृत्यु भी होगी। कार्य नष्ट होता है और कार्य उत्पन्न होता है, उसे कार्य कहते हैं, उसको असत्कार्यवाद का सिद्धांत न्यायिक देते हैं। सांख्य कहता है कार्य न तो नष्ट होता है, वो मतलब नित्य है, प्रकृति नित्य है और उसका बदलना भी नित्य है, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। वो कहते हैं सत्कार्यवाद, तो सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। वेदांत कहता है कि कार्य में चेंज होता ही नहीं, खाली प्रतीत होता है, खाली वो ज्ञान की दृष्टि से है। तो अब जगत की जब व्याख्या हम करते हैं तो तीन दृष्टियां होती है, एक शब्द की दृष्टि से विचार करते हैं, एक पदार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और एक ज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से क्या वेदांत सिद्ध होता है, वेदांत का अद्वैत जो है वो ज्ञान की दृष्टि से सिद्ध होता है कि केवल मेरा ज्ञान बदलता है। ज्ञान में जो मैं पहले जान रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद में आपके कुछ ज्ञान में परिवर्तन हो सकता है। तो ज्ञान की दृष्टि से तत्व बदलते हैं, तो वो खाली जो एक तत्व है वो सत्य है, अद्वैत सत्य, बाकी सब उसके बदलते हुए परिणाम मतलब लगते हैं, विवर्त मात्र मारते हैं। तो वेदांत में विवर्तवाद, सांख्य में परिणामवाद और न्याय में आरंभवाद, और बुद्ध जो है वो मानते हैं कि कारण को भी असत मानते हैं, कार्य को भी असत मानते हैं, उनका पतित समुत्पाद सिद्धांत में रहता है। तो कार्य कारण के दृष्टि से विचार करेंगे तो इस तरह से हम सोचते हैं कि वो एक दृष्टि अलग हुई, वो जैसे उसकी वो जो पक्ष है वो मतलब भौतिक जगत से संबंध है, एक जगत है आध्यात्मिक जगत से संबंध है, तो ज्ञान की दृष्टि बात करते हैं। एक हमारे जो सांसारिक या व्यवहारिक दृष्टि से है तो वहाँ पाप की पुण्य की अवधारणा होती है और कर्मवाद का सिद्धांत वहाँ लागू हो जाता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हम कर्मों का परिभाषण करें
और उसमें भी दो पक्ष, एक नैतिक और एक समझ लीजिए वैधिक। नैतिक अर्थ कम से कम आप जो है आप ये अच्छा कर सकते हैं, वो बताते हैं दो रास्ते आपको अच्छा पूरा, इसमें जो आपकी इच्छा कर लीजिए। पर जो विधान होता है, कानून जो होता है, उसमें कहता है नहीं, इतना करने पर आपको सजा मिलेगी, ये कर्म नहीं करने आपको, मतलब ये निषिद्ध कर्म है, इनको करने पर आपको ये सजा मिलेगी। तो जो विधान बनाएगा वो कर्मियों की व्याख्या अलग तरीके से करेगा, क्यों कहेगा क्या क्या नहीं करना वो बताओ, और करने पर क्या दंड है वो बताओ। तो वहां दंड की और पुरस्कार की व्यवस्था होती है, पर नीति शास्त्र में होता है खाली वो एक राय देते हैं कि आपको अच्छा बुरा लगे, अच्छा ये है बुरा है, रास्ते दोनों ही हैं, आप चोरी करके भी जी सकते हैं और ईमानदारी से भी जी सकते हैं, अब आपको चुनना है। तो नीति शास्त्र का अंतर, विधि शास्त्र का अंतर, धर्मशास्त्र का अंतर, अध्यात्म का अंतर, ये सभी अंतर में ये सबका मूलभूत जो है, ये मूलभूत गहन प्रश्न है, और इस पर जो है मैंने अपनी बात संक्षिप्त में रखी है। और जैसे अब क्रिया की बात करते हैं, एक दो बात और कर देता हूँ, पूरी करता हूँ। तो क्रिया में जैसे क्रिया क्या है, तो यास्काचार्य कहते हैं क्रिया जो है वो भाव प्रधानम आख्यातम, तो छह क्रिया मानते हैं, जायते अस्ति विप्रमन्ते विद्यते अपचेतो विनश्यति। अब नैयायिक ने पांच ही मानी है। गीता में आप देखेंगे 18वें अध्याय में जाकर के, तो वो कहते हैं कि पांच ये कर्ता और अधिष्ठान, 18वें अध्याय में कहते हैं, और उन्होंने कहा कर्ता क्या है, तो वो तीन तरह का है, सात्विक रासिक तामसिक, कर्म क्या है, ये भी गीता में परिभाषित है। तो अब वो गीता का कर्म जो है वो सात्विक रासिक तामसिक, क्यों उसकी भावना से, क्यों सत्व की भावना से कर रहा है, सत्वगुण प्रधान है, रासिक है, तामसिक है, वो कोई अच्छा काम कर रहा है पर किसी को दुख देने के लिए कर रहा है, यज्ञ कर रहा है किसी के नाश के लिए कर रहा है, तो वो भी तामसिक यज्ञ हो गया। वो एक यज्ञ, उस एक यज्ञ की तीन व्याख्याएं होंगी कि सात्विक रासिक तामसिक, यज्ञ तो कर रहा पर आप किसी को मारने के लिए कर रहे हैं, साहब विनाश हो गया शत्रु का, तो वो तामसिक यज्ञ हो गया। इसलिए वहां कहते हैं कि वो उसका उद्देश्य जो वो प्रधान हो जाता है, जो तामसिक सात्विक रासिक, कर्ता भी तीन, कर्म भी तीन और क्रिया भी तीन हो जाते हैं। तो ये गीता के 18वें अध्याय में पूर्ण स्पष्ट है। इस तरह से मैंने आपके सामने कुछ संक्षिप्त से बात की, जो भी आप नहीं नहीं बहुत रुचिकर है और बड़ा ज्ञानवर्धक आपने बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की सीमा ही कुछ ऐसी है, लेकिन वस्तुतः आपने और कई आयाम हमारे सामने उपस्थित कर दिए, कम से कम मेरे लिए तो तो बहुत ही रुचिकर बन गया, नहीं तो मैं इस विषय का के थोड़े से दबाव में भी था, क्योंकि मुझे क्योंकि ऐसा विषय जो अस्पष्ट हो तो बड़ा कठिन हो जाता है कि भाई उसको लेके संदेह ही बना रहता है कि भाई मैं युक्तियुक्त सोच भी रहा हूँ कहीं, लेकिन अब आपने जिस तरह से शास्त्रीय समर्थन दे दिया है तो अब मुझे भरोसा हो गया है कि भाई ठीक ही है। अच्छा एक बात मैं और कर दूं, रही थी मेरी, वो कहते हैं कि जैसे अब इसका जो हम शाब्दिक अर्थ करते हैं, कर्ता का क्रिया का, तो वो तीनों दृष्टियां वो अलग है, वो जिसको हम शाब्दबोध का सिद्धांत करते हैं। तो न्यायिक मीमांसकों ने तीनों दृष्टि से विचार किया, कर्ता के दृष्टि से और कर्म क्रिया के दृष्टि से, तो वो एक अलग तरह का गहन विषय है, उसमें बहुत से शाब्दबोध अलग है। तो उसमें उन्होंने बताया ना डॉक्टर साहब, यही तो है कि अगर मैं अब आपसे आपके पास आता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि मैं कौन से इनमें से किस मार्ग का अनुसरण करना है, तो वो फिर आप संदर्भ देंगे या कुछ और बताएंगे या मेरा उद्देश्य पूछेंगे, तो इसका मतलब है कि कर्म को मैंने अपने एक तरीके से निश्चित कर दिया, तो वो एक कंफ्यूजन, एक अस्पष्टता जो है उसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। और मैं अंत में आपका जो विचार है इस विषय पे लूंगा कि आपके पास आपका शिष्य अगर आता है, मैं आता हूँ कि भाई आप डॉक्टर साहब मुझे उपदेश करें, क्योंकि सारे ऋषि उपदेश ही करते हैं कि कर्म भी चिकित्सा यदि स्यात् तो वो फिर कैसे उसका समाधान करना है, कि इतने सारे कर्म के आयाम आपने गिना दिए हैं तो कौन सा कर्म चुन तो उस कर्म को चुनने के लिए मुझे किस प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा, तो लेकिन वो मैं अंत में लूंगा। अभी डॉक्टर अविनाश जी, अविनाश श्रीवास्तव जी बुद्धिस्ट स्टडीज के हैं बिहार से, बोधगया से, गया से, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षेप में उस पक्ष को रखें, और उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी। सबको समवेत नमस्कार, और बड़े मनोयोग से आचार्य का मैं प्रवचन सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इस क्रम में प्रारंभ में यह विवेचित कर देना अपेक्षित प्रतीत होता है कि बौद्ध दर्शन में तत्वमीमांसीय चिंतन हुआ ही नहीं, और इस कारण ही कर्म पर जो भी विचार हुए हैं वह मनुष्य की वर्तमान जन्म, पुनर्जन्म और उसकी निर्वाण प्राप्ति के क्रम में इसके ऊपर विचार किया गया। इस कारण ही मैंने पिछले कथन में मैंने कहा था
कि जब कभी भी बुद्ध से प्रश्न किए जाते थे, तत्वमीमांसीय प्रश्न किए जाते थे, वे मौन रह जाते थे और बताते थे कि चूंकि सारा संसार दुखों से जल रहा है, हमारा प्राथमिक कर्तव्य होता है कि हम उनके रोगों के निदान की का अन्वेषण करें, न कि हम तत्वमीमांसीय चर्चा में युक्त रहें। तथापि जब मनुष्य की ओर हम वो देखते हैं तो, और मनुष्यों में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रुग्ण है, तो कोई ऐश्वर्यशाली है, कोई शारीरिक शक्ति से युक्त है, तो कोई शारीरिक शक्ति से क्षीण है, और इस पर उनसे प्रश्न किया जाता है कि ऐसा क्यों है। और इस क्रम में उन्होंने कहा कि यह उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत एक मूल सिद्धांत है जिसे प्रायः सारे दार्शनिकों ने भारतवर्ष में स्वीकार किया है, और बुद्ध का दर्शन और बुद्ध के विचार उससे पृथक नहीं है। यह दूसरी बात है कि उस पर उन्होंने कोई विशेष चिंतन नहीं किया, और उनकी बात यह है कि जब वे सांसारिक लोगों को देखते हैं और उनमें विषमता देखते हैं तो उनसे प्रश्न किया जाता है कि यहाँ पर क्यों ऐसी स्थिति। सबसे बड़ी बात है कि मिलिंद प्रश्न में मैं पाता हूं कि राजा नागसेन आकर पूछता है कि ये विषमता क्यों पाई जाती है, आखिर ऐसा क्यों है, और इसके प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि ये इनके पूर्व जनित कर्मों का कारण। अब पूर्व जनित कार्य जो है अनेक प्रकार के होते हैं, शुभ कार्य, कुशल कर्म, अकुशल कर्म, और इन सारे कर्मों के अनुकूल वे मनुष्य अपने योनियों को प्राप्त करते हैं, जैसा कि हमारे भारतीय शास्त्रों में भी कहा गया। और इस क्रम में दूसरी बात यह है कि वे कहते हैं कि वे ही कर्म हमें अच्छी जन्म देते हैं, अच्छा स्थान देते हैं या बुरा स्थान देते हैं, हमारी दुर्गति को प्रदान करते हैं, जिसके साथ हमारा मन संयुक्त है। कर्म वही है जिसमें हमारी चेतना संलग्न है। वे कहते हैं चेतना हं भिक्खवे कम्मं बदामि, हे भिक्षु, यह चेतना ही जो है हमें कर्म को जन्म दे देती है। धम्मपद में कहा है मनोपभंगमा धम्मा मनोशिक्षा मनोमया मनसा चे प्रसन्ने न भासति वा करोति वा यतो वा सुख मनवेति छाया वा अनपायने, और अगर गलत कार्य करते हैं तथो वा दुख मनवेति चक्र वा वस्तु। तो मनुष्य के मन से ही यह कर्म संयुक्त होता है। जो ही हमारे मस्तिष्क में यह चेतना आ जाती है कि मैं से इस कार्य को इस दृष्टि से करना है तो हमारा कार्य वहां संपादित होगा, और तब हम पाते हैं कि कर्म एक दृष्टि से कुशल कर्म है, अकुशल कर्म है, और तीसरी दृष्टि से एक ऐसा कर्म है जो न कुशल है न अकुशल है। अब ये सारी की सारी चीजें हमारे मन पर निर्भर करती है। अगर हम शुभ चीजों को ध्यान में रख करके कार्यों को संपादित करते हैं तो वो कुशल कर्म करते कहते हैं, लेकिन उस कुशल कर्म का भी विपाक होता है, और जो विपाक है वह हमें झेलना पड़ता है, चाहे वह अच्छी स्थिति में हम रहें या बुरी स्थिति में रहें, अकुशल कर्म का विपाक भी मुझे झेलना पड़ता है। तो गीता में एक स्थान पर बड़े स्पष्ट ढंग से कहा गया है कि अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं, तो हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उन कर्मों के संस्कारों के पुण्य के क्षीण होने के बाद पुनः हम लौट आते हैं। त्रय विद्या मांसोम अपाह पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासाद्य सूर्येन्द्र लोक मश्नन्ति दिव्यां दिवी देव भोगान ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशालं। और उसी प्रकार बुद्ध भी कहते हैं सच्चे च धम्मे च धम्मे च संयमे सोचे ये लीला युपोषयेथु च दाने अहिंसाय असहाय रत्तो दलहं समादाय सत्यमचारी सूते न कम्मे न दिवस कम सुखं च क्रियाति च अन्वभिम ततो च वित्वा पुनरागतो इद समय पादे ही खुशी वसुंधर। जिस प्रकार गीता कहती है कि उसके पुण्य के क्षीण होते ही वह पुनः जो है
धराधाम पर लौट आता है, ठीक उसी प्रकार ये भी कहते हैं कि सत्य भाषण कुशल धर्म इंद्रिय धर्म कार्य शुद्धि शील संयम पोषक दान अहिंसा के दृढ़ता से आचरण करने पर हम स्वर्गलोक की ओर चले जाते हैं, स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे कर्म संस्कार क्षीण होते हैं हम जमीन पर चले जाते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि बुद्ध का प्रयोजन है मोक्ष के का प्रदान करना जिसके बाद हमारा पुनर्जन्म न हो, वह कौन सा कर्म है जो हमें पुनर्जन्म देने से रोकता हो, जो हमें पुनर्जन्म की ओर प्रेरित नहीं करता हो। इस क्रम में बुद्ध दो तीन बातें कहते हैं कि हमारा पूरा जो कर्म है वह पांच नियमों से प्रेरित है। पहला है उतु नियम, जिस प्रकार वायु चलती है, जाड़ा गर्मी बरसात आता है और ये अपने अपने कार्यों को करते हैं, वर्षा होती है, सारी चीजें होती है, एक उतु नियम। दूसरा है बीज नियम, बीज नियम बताता है कि किस प्रकार हमारे कार्य अपना विपाक देते हैं, कैसे फल उसकी प्राप्ति होती है। तीसरा है कर्म नियम, किस प्रकार हमारे कर्म माने अपने परिणाम को हमें बोधित करते हैं और जिसके कारण हमें दंड भी मिलता है, पुरस्कार भी मिलता है, अच्छे जन्म भी प्राप्त करते हैं और कष्ट भी हमें होता है। तीसरा है, चौथा है धम्म नियम, जिसके कारण यह हमारी जो सामान्य फेनोमेना है वह बुद्ध धम्म नियम को अगर पालन करते हैं तो वह अपने अंतिम जन्म की ओर पहुंचते हैं, उसके बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। और पांचवा है चित्त नियम, क्योंकि यह चित्त नियम ही वह है कि हमारे कार्यों को कुशल या अकुशल करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है चेतना हम भिक्खवे कम्मं बदामि, हमारा जो चित्त है, हमारे सोचने की जो प्रक्रिया है, जब हमारे कार्य के साथ संयुक्त हो जाता है तब हमारा कर्म आरंभ हो जाता है। अब प्रश्न उठ खड़ा होता है कि हम किस प्रकार के कार्य करें जिससे कि हमारे कर्म बंधन हमें कष्ट प्रदान ना करे। और इस क्रम में वे स्पष्ट कहते हैं कि हमें क्रिया चित्त का पालन करें। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जो किसी भी प्रकार के कर्म संस्कार उत्पन्न न करते हों। और वह कर्म हम कैसे कर सकते हैं, यह ना तो शुभ कर्म है, क्योंकि शुभ कर्म भी अगर हम करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, अच्छे कर्म संस्कार की प्राप्ति होती है और अच्छे लोक में हमारा जन्म होता है। अशुभ कर्म करने से इसी लोक में हमारा जन्म होता है। और हमें ऐसा कर्म विपाक, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे कर्म का विपाक ना हो और हमें इसी माने युग में रहने पर माने हम मुक्त होने की बात हम कर सकें। तो इस क्रम में वो बताते हैं कि हमारा जो है यह क्रिया चित्त है। अब प्रश्न उठता है क्रिया चित्त क्या है, जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें किसी फल की अपेक्षा हम ना करें, उसमें हम यह नहीं सोचे कि मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूं जिसके कारण हमें भविष्य में लाभ होगा, क्योंकि वे स्पष्ट बताते हैं कि अगर हम अकुशल करते हैं तो इसी युग में हमें जन्म लेना पड़ता है और दंड भी भोगना पड़ता है। अगर शुभ कार्य करते हैं तो हम जो है ऊर्ध्व लोक में जाते हैं और उसे कार्य करके क्षीण होने पर फिर इधर चले आते हैं, लेकिन कुशल कर्म जो है उसका भी विपाक होता है। अब कौन सा कार्य करें, तो वो कहते हैं हम क्रिया चित्त में, क्योंकि वो स्पष्ट बताते हैं कि काल तीन के तीन पार्ट है, वो अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अतीत काल जो है वो पार्ट नहीं है, वो वर्तमान में ही ये तीनों आकर सम्मिलित हो जाते हैं। अगर हम वर्तमान में अपना कार्य करते हैं तो ना अतीत की चिंता करते हैं ना भविष्य की चिंता करते हैं, तो हम उस समय केवल कार्य करते रहते हैं। और जब हम केवल कार्य करते रहते हैं तो उसका कोई फ्रूशन नहीं होता, उसका कोई विपाक नहीं होता है। और जब विपाक नहीं होता है तो कर्म संस्कार संग्रहित नहीं होते हैं, और जब कर्म संस्कार संग्रहित नहीं होते हैं तो पुराने कर्म संस्कारों के पर क्षीण हो जाने के उपरांत
हम निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। और इस प्रकार वे कर्म के सिद्धांत को बताते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि बिना कर्म सिद्धांत के हमारा कार्य व्यापार विश्व का चल ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जितना कार्य है इसके पहले जो होता है उससे ही जुड़ा हुआ होता है। तो संक्षिप्त में ये कहना हम चाहते हैं कि बुद्ध ने कोई तत्वमीमांसीय चिंतन नहीं किया है, लेकिन वे हमारे सनातन धर्म के अनुकूल ही कर्म को हमारे पुनर्जन्म का, वर्तमान दुखों का और वर्तमान में हमारे विषमताओं का बोधक मानते हैं, और इससे मुक्ति की युक्ति के क्रम में वो क्रिया चित्त की ही बात करते हैं, क्योंकि ज्यों ही हमारे कार्य में हमारी चेतना संलग्न हो जाती है वह कार्य शुभाशुभ फल देने लगते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबों को समवेत नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और बहुत सुंदर आपने ये प्रस्तुति दी है, और वाकई मुझे ये विषय नहीं इस तरह से पता था, और लेकिन आपके इस वक्तव्य से अब मुझे लगा कि मुझे और व्यापक रूप से इस सारे विषय को देखना होगा, और कई पक्ष हैं जो मुझे आपसे फिर समझने भी होंगे, क्योंकि एक प्रतीत्य समुत्पाद का जो पक्ष है उसको हम कैसे लेंगे, उसको क्रिया पक्ष में लेंगे और वो कैसे लेंगे, वो सारा विषय जो है। एक मिनट, प्रतीत्य समुत्पाद जो है इसकी एक मूल अवधारणा है, वो कहती है अस्मिन सति तद भवति, अस्मिन असति तद न भवति, अस्मिन उपज्जा तद उपज्जति। अगर हम ऐसा होता है तो इस प्रकार की घटना होती है। तो जिस प्रकार मेरा मन जो है, अपने मन में जो विचार हमारे उत्पन्न होते हैं तदनुकूल हमारा कर्म आरंभ होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं चेतना हम भिक्खवे कम्मं वदामि, तो जिस प्रकार की चेतना होती है उसी प्रकार के कर्म हमारे उत्पन्न होते हैं। अस्मिन न सति तद न भवति, अगर इस प्रकार के विचार हमारे उत्पन्न नहीं होंगे तो वह कार्य हम नहीं कर सकते हैं। अस्मिन उपज्जा तस्मिन निरुज्जति, और जिस प्रकार शुभ अशुभ कर्म के विचार जो हमारे मस्तिष्क में संलग्न रहते हैं कर्म के साथ, अगर वह हमारा समाप्त हो जाता है तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है, वह भी निरुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार चना को अगर हम पानी में छोड़ देते हैं तो वह अंकुरित होने लगता है, लेकिन अगर हम भून देते हैं तो उसके अंकुरित होने का सारा मने व्यापार समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों से अपने कर्म संस्कारों को भून देते हैं कर्म, तो उसमें हमारे कर्म संस्कार उत्पन्न नहीं करते हैं, और जब वो संस्कार उत्पन्न नहीं करेंगे तो पूर्व जन्म के सारे संस्कार के छीन होने के बाद हमें मुक्ति की मन प्राप्ति होगी। चलिए धन्यवाद डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी, थोड़ा बस समय की सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि हमें सभी को सुनना है, और इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे पास डॉक्टर रमेश भट्ट जी हैं वो, और फिर उसके बाद हम फिजिक्स से प्रोफेसर रमेश वर्मा जी को भी सुनेंगे। तो डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी, मतलब 7-8 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात थोड़ा सा प्रस्तुत करने का प्रयास करें ताकि हम सभी को सुन सकें। जी सर, मेरा मूल विषय भौतिक विज्ञान था, पता उसी समय आरम्भ करता हूँ। जी तो जैसा पहले कहा जा चुका है कि भौतिक विज्ञान में कर्म की परिभाषा है कि कितना हमने बल लगाया और उससे कोई वस्तु या पिंड कितनी दूरी तक गया, बल गुना दूरी। तो कर्म करने की जो क्षमता है या संचित क्षमता है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, वो दो तीन कई प्रकार की ऊर्जा है। और एक सामान्य सिद्धांत है, हैमिल्टन का लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल कहलाता है मैकेनिक्स में, कि प्रकृति में वही क्रिया होती है जिसमें सबसे कम शक्ति खर्च करनी पड़े, सबसे कम ऊर्जा लगे, या प्रकाश उसी प्रकाश या कोई भी तरंग उसी मार्ग से जाएगा जिस मार्ग में सबसे कम समय लगेगा। ये इन मूल सिद्धांतों के आधार पर भौतिक विज्ञान के अन्य सिद्धांत निकल सकते हैं। दूसरी चीज है कि कर्म क्या है। तो गीता के 8वें अध्याय में उसकी परिभाषा है, परिभाषा नहीं है वर्णन है कि संसार को कैसे हम समझ सकते हैं। तो एक है कि जो कुछ भी है संसार में या दिखता है या नहीं दिखता है वह ब्रह्म है, सर्वं खलु इदं ब्रह्मा।
जहां भी गति हो रही है, कण की गति हो रही है या पिंड की गति हो रही है, बाहरी गति हो रही है आंतरिक गति, ये कर्म है। आंतरिक गति जो दिखती नहीं है उसको कृष्ण गति कहते हैं, जो बाहरी गति दिखती है उसको शुक्ल गति कहते हैं। जैसे आत्मा की गति का विवरण है कि शुक्ल कृष्णा गति यते, तो जब पृथ्वी की सीमा में ही बद्ध होकर के रह जाएगी आत्मा या अपने वातावरण की घर की सीमा में, तो कृष्ण गति कहती है, और जब यहाँ से बाहर निकल जाए पृथ्वी की सीमा से तो उसको शुक्ल गति कहते हैं। तो वहां भी शुक्ल और कृष्ण गति का यही अर्थ है। इस कारण से गति के जो वेद है उसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। तीसरा है यज्ञ। ब्रह्म कर्म और यज्ञ तीन प्रकार से हम समझते हैं। तो यज्ञ वह कर्म है जिसमें चक्रीय क्रम में किसी इच्छित वस्तु का उत्पादन होता है। ये यज्ञ की एकमात्र परिभाषा गीता में ही है, तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में, कि सृष्टि के आरंभ में ही प्रजापति ने कहा था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग इच्छित वस्तु का उत्पादन करो, और अंत में कहा है कि एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति है, मतलब वो चक्रीय क्रम में उत्पादन होता है। इस अर्थ का भी एक सिद्धांत है थर्मोडायनेमिक्स में, कार्नो साइकिल। जितनी भी क्रिया होती है इंजन की वो चक्रीय क्रम में होती है, यज्ञ भी चक्रीय क्रम में ही होता है। जैसे दैनिक यज्ञ होते हैं, मासिक यज्ञ, वार्षिक यज्ञ, यज्ञों का ही चक्रीय क्रम है उस समय प्राकृतिक समय के क्रमों में। तो ये तो कर्म की परिभाषा है। उसके बाद किं कर्मा किम कर्मेति ये कवियोपत्र मोहिता, तो उसमें जैसे कर्म है, हमने काम चेष्टा की, बल लगाया, कुछ काम हो गया, कुछ गति हो गई, लेकिन हमने चेष्टा किया गति नहीं हो पाई, वो अकर्म है। जैसे हम दीवार को कितना भी धक्का मारे या जोर लगाया वो हिल नहीं सकती है, तो जोर तो हमने लगाया लेकिन वो कर्म हो नहीं पाया। या कई काम जो है जैसे अपने आप होते रहते हैं, सांस अपने आप चलती रहती है, रक्त प्रवाह अपने आप चलता रहता है, तो कर्म में अकर्म है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन वो हो रहा है, या हम ध्यान दे रहे हैं नहीं हो रहा है, अकर्म में कर्म है। तो उसके कई भौतिक उदाहरण दिए जा सकते हैं। और एक है कि गीता में अर्जुन ने कहा कि आप कभी कहते हैं कि कर्म प्रधान है, कभी कहते हैं कि ज्ञान प्रधान है, आप साफ साफ बताइए दोनों में कौन सा ठीक है। तो उसका दोनों को मिला करके 18वें अध्याय में कहा है कि ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। तो कर्म द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति भी एक कर्म है। वहां कहने के यह है कि ज्ञान तो अनंत है, पहली बात है कि ज्ञान है क्या। तो दूसरी चीजों का, बाहरी चीजों का जो अनुभव हमको हो रहा है, वहां से कुछ प्रकाश ताप या ध्वनि आ रही है तो हम उसका अनुभव कर सकते हैं, तो ये ज्ञान है। तो दूसरे पदार्थों के पिंडों का आकर्षण, प्रकाश या जो जिस प्रकार का भी प्रभाव हमारे तक पहुंचता है वो ज्ञान है। तो सृष्टि में ज्ञान अनंत है, उसमें ज्ञेय क्या है, जिसका प्रभाव हम तक पहुंच सके वही ज्ञेय है। जैसे सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है वह ज्ञेय है, जिसका प्रकाश या शब्द हम तक नहीं पहुंच सकता वह ज्ञेय नहीं है। उसमें भी परिज्ञाता क्या है कि जो आता भी है हमारे पास उसको हम ठीक से हम जान नहीं सकते हैं। तो जैसे जो चीज आता है जिसका प्रभाव हम तक पहुंचता है उसको हम साम कहते हैं, तो उतना ही का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा है वेदानांग साम वेदोस्मि, तो जहां तक का प्रभाव आता है उसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी पूरा नहीं होता है। पहले तो हम अपने स्वभाव या प्रकृति के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और समझ भी जाते हैं तो उसको शब्द में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उसको परिज्ञाता कहते हैं, मतलब घेर घार करके दो चार शब्दों में उसका प्राय अभिप्राय हम व्यक्त करते हैं, तो ये परिज्ञान होगा। तो इस प्रकार का है। और एक कर्म का है संचित कर्म क्या है, बार बार एक ही कर्म करने से उसका अभ्यास हो जाता है, उसको सोचना नहीं पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं कि संस्कार हो जाता है। ये जैसे शिक्षा का कहते हैं ना कि वो बार बार रस्सी के जाने से पत्थर भी घिस जाता है, उसी तरह से शिक्षा होती है। तो हमारे मन में कई चीजों का बहुत चिंतन होता है, घटनाओं का, तो उसकी स्मृति रह जाती है। उसी तरह की घटना बाद में या अगले जन्म में कभी हो तो उसका फिर से याद आ जाता है कि पिछले जन्म में भी हुआ था या 10 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। तो ये भी यही भी योग सूत्र में लिखा है कि संस्कार पर संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तो और भी कई शब्द हैं, अर्थ हैं,
सबकी चर्चा नहीं कर सकते, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और यही मेरी अपेक्षा थी कि हम फिजिक्स को भी केंद्र में रखें कि इस कर्म की और क्रिया की और कार्य की जो व्याख्या है वो इस दृष्टि से करें, और बल्कि आपकी बातों से मुझे लगा कि मुझे गीता को एक नई दृष्टि से अब देखना होगा कि फिजिक्स की दृष्टि से हम इस गीता का भी विश्लेषण करें। जैसे आपने कई श्लोकों का अर्थ दिया है हमें, संचित कर्मों का, परिज्ञाता का और सारे, बड़ी रुचिकर बात लगी और आह्लादकारी लगी। तो निश्चित रूप से इस विषय को भी मैं जरूर टेकअप करूंगा। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रमेश भट्ट जी को कि वो अपना इस अपना परिचय भी सर आप दे दें और हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पहली बार आप सबको मेरा प्रणाम है, और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट हूँ, और मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट टैक्सेशन करके मुकेश अंबानी के साथ 42 इयर्स से काम किया था, और बचपन से ही मेरे को श्री विद्या उपासना, परमोश योगानंद जी के क्रिया योग उपासना और गीता का अभ्यास रहा है। तो मेरे नाना भी इसमें काफी मेरे पे प्रभावित किया है, तो मेरा खुद का अभ्यास है और काफी गुरु लोगों का, महात्माओं का परिचय में है, और मैंने कुछ किताबें भी लिखी है, वो बाद में बात करेंगे, अभी समय का अभाव से अपना मूल विषय पे आते हैं। जी, तो अपना जो विषय है कर्म, कार्य और क्रिया, और मैं समझता हूँ कि हम कुछ भी चर्चा करें तो क्यों कर रहे हैं, अभी हमको क्यों समझने का है, ये व्हाट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन इन अवर लाइफ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो चर्चा पूरी है, हम सब लोग कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति करते सच्चिदानंद में स्थिर होना चाहते हैं, इसीलिए ये चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए ये जानना जरूरी है। तो मैं गीता और उपनिषद का आधार पे ये तीनों का संक्षिप्त में व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। अभी गीता में भगवान सातवां अध्याय का अंत में जो बोला, इसका आठवां अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा अक्षर ब्रह्म योग में, किम तद ब्रह्म किम कर्म। अर्जुन ने सीधा सवाल पूछा कर्म क्या है, तो अक्षरम ब्रह्म परमम, और कर्म का बोला भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगित। यहां कर्म की व्याख्या दी कि पूरी सृष्टि को जो उत्पन्न करना रही, अभी भूत भाव का जो उद्भव करता है वो विसर्ग, मतलब कि बाहर आना परमात्मा से, उसको कर्म बोलते हैं। अब इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। एक तो जो पूरा सृष्टि की उत्पत्ति का जो कर्म है, कि जो एको हम पहले परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वव्यापक था, केवल वही था, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, उसमें जो पहला स्पंदन हुआ एको हम बहुश्याम प्रजायते, तो जो पहला स्पंदन हुआ वो ओंकार जो प्रकट हुआ, वो ओंकार जो अनाहत नाद अव्यक्त नाद है, नाद ब्रह्म, वहां से सृष्टि की क्रिया चालू हुई। तो बहुत आध्यात्मिक लेवल पे देखा है तो पहला कर्म यही था कि सृष्टि का कर्म ओंकार के उत्पत्ति से, फिर ओंकार से फिर महत तत्व और अहंकार और पंचीकरण से सब वो हो जाता है, तो वो कर्म होता है। दूसरा कर्म क्या होता है कि हमारी जो कर्मेंद्रिय बोलते हैं कि जो पांच कर्मेंद्रियों से जो होता है वो कर्म है, और कर्म विकर्म और अकर्म तीन का भी बात आती है गीता में। तो इसमें जो लाहिरी महाशय जी जो परम सिद्ध हुए, उन्होंने बताया है कि इसमें जो समझने का है कर्म विकर्म और अकर्म, तो यहाँ कर्म योग की बात हो रही है। तो कर्म वो है कि जिसके कारण से आप कर्म बंधन से मुक्त हो, वो कर्म वो टाइप की डेफिनेशन है। और विकर्म ये है, वो कर्म क्या है, अंतर्मुख होना, किसी भी प्रकार से आप सुषुम्ना मार्ग से माइंड में जाके अंतर्मुख हो गए, वो रियल कर्म योग है। इवन राजश्री मुनि जो बड़ोदरा में हो गए परम खेचरी सिद्ध, उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कहते कि जो पूरा हठ योग है वो सच्चे में कर्म योग है। ध्यान करना, योगासन करना, मंत्र जप ये सब करना और सही अर्थ में कर्म योग है कि जिसके कारण आप मुक्ति पे चल सकते हो। और विकर्म क्या है, संसार की ओर जाने का, आपका प्राण शक्ति और मन जब शरीर से बाहर
संसार में जाता है वो भी कर्म है। अकर्म क्या है कि बाहर से कर्म दिखता है मगर अंदर से अकर्म हो जाता है, वो कब होता है? स्वरूप का ज्ञान से होता है। जैसे भगवान बोलता है स्वरूप का ज्ञान क्या है, 16वां अध्याय में उन्होंने बताया कि ज्ञान क्या है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद् जो वृत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञः तद्विदः। यह शरीर वो जो है क्षेत्र है, उसको जानने वाला क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभारत क्षेत्र क्षेत्र के योग ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। और सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ में हूँ। और जो ज्ञान जिसको बोला जाता है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही ज्ञान है। मतलब कि जो क्षेत्र, इसके बाद क्षेत्र उन्होंने टोटल 21 टोटल 24 के महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्वक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। तो इसमें उन्होंने 24 क्षेत्र का भाग बताया और इच्छा द्वेष से लेकर 7 उसका विकार बताए। तो ये सब क्षेत्र है। और क्षेत्र जो पुरुष है इससे अलग है। आगे प्रकृति की बात हुई और पुरुष हुआ। अगर आपको जब पुरुष का ज्ञान होता है, स्वरूप में स्थिति होती है, तो कोई कर्मबंधन नहीं करता है। कर्मबंधन तभी जाता है जब गीता बोलते नैनम किंचित करोमि इति युक्तो मन्यत तत्त्वित। जब आप अंदर से परमात्मा से युक्त होएंगे तभी वो कर्मबंधन से मुक्त, तभी कर्म में अकर्म हो जाता है। कर्मणि अकर्म यह प्रश्चित अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त प्रश्न कर्मकृत। तो कर्म बंधन से मुक्ति होने के लिए कर्म जाने की जरूरत है। कि वेन आप शरीर भाव से बॉडी कॉन्शियसनेस में आके मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं मन हूँ, तो इसी इस भाव में जब कर्म करते वो कर्म बंधन में हो जाते हैं। मगर इंद्रियो इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, इंद्रियो इंद्रियों का विषयों में प्रवर्त कर रही है, ये भाव में आया और मैं तो केवल दृष्टा साक्षी हूँ, तब आप मुक्त होंगे। तो बंधन का वही कार्य है। और जो कार्य शब्द आया वो भी 13वां अध्याय में है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। मतलब कि यहाँ कार्य का क्या हुआ, कॉज और इफेक्ट। प्रकृति ही कार्य कारण काम करती है। तो यहाँ कार्य का अर्थ ये कर सकते हैं कि प्रकृति जब कुछ भी प्रकृति में जो एक्टिविटी होती है उसका परिणाम होता है कुछ कारण से, वो कार्य हो जाता है। एक्चुअली तीनों विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट ही क्रिया कार्य और कर्म को आप अर्थ कर सकते हैं। मगर पूरा कार्य शब्द दिया हुआ है इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ कार्य का अर्थ दिया गया है। और यहाँ देखो भोक्तृत्व करते हो तो बंधत्व आता है। अगर पुरुष सुख दुख नहीं भोगता है, यहाँ भगवान ने बताया सुख दुख से पर वो साक्षी भाव में जाओ तो आप मुक्त हो जाओगे। और अभी क्रिया की बात देखो तो अपने उपनिषद बहुत अच्छे बताया है कि परमात्मा और जगत में फर्क क्या है। क्योंकि जो परमात्मा है अस्थि भाति प्रिय सच्चित आनंद है, और उसमें जब नाम रूप और क्रिया ये जब जुड़ जाता है तो जगत हो जाता है। अगर परमात्मा के पास जाता है तो नाम रूप और क्रिया को छोड़ दो और अस्थि भाति प्रिय सच्चित आनंद उसमें अगर आप स्थिर हो जाओगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। और क्रिया का दूसरा पातंजलि योग सूत्र में तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इति क्रिया योग। तो परमो योगानंद जी ने तो ऑटोबायोग्राफी में क्रिया योग का बहुत बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ क्रिया का अलग अलग अर्थ होता है। एक क्रिया जो होती है कि आप आपका सच्चिदानंद स्वरूप को भूल के अस्थि भाति प्रिय भूल को नाम रूप नेम फॉर्म और एक्टिविटी में रत हो जाओगे बंधन आता है। जी, उसी चीज में से नाम रूप क्रिया निकाल दो, केवल अस्थि भाति प्रिय सच्चित आनंद एवर कॉन्शियस एवर न्यू ब्लिस जिसको परमोच योगानंद जी बोलते हैं, उसमें स्थिर हो जाओ तो आप मुक्त हो जाओगे। बस बहुत बोला जा सकता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी सुंदर व्याख्या दी है और इतने स्पष्ट हमारे सामने प्रतिपादन किया है। बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा कि अभी आखिर में आपकी बात कुछ फाइनल कमेंट्स इस विषय पर जरूर हम ग्रहण करें, तो आप हमारे साथ रुके रहें। तो अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश वर्मा जी को, और शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ विधिक के अध्यापक हैं, तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। तो उनका दृष्टिकोण इस विषय पे क्या है,
और उसके बाद मैं चाहूंगा अगर कुमार सी आर जी, बलविंदर आचार्य जी, डॉक्टर बलविंदर आचार्य जी, और उसके बाद कुमार सी आर जी, और फिर रविंद्र कुमार गुप्ता जी। जी सर प्लीज। हेलो, कैन आई स्पीक नाउ? जी प्लीज। यस यस प्लीज सर। दोस्तों जी, सबसे पहले तो मैं फिर एक बार फिर आपको हर बार यही कहते रहता हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं और हम सब लोग आपके जो है धन्यवादी भी हैं कि ये नए मुद्दे उठा के जब सामने रखते हो तो विचार करने के लिए हर व्यक्ति मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। अब जब मैंने पहली बार ये सुना था कर्म कार्य क्रिया, तो मैं खुद परेशान सा हो रहा था कि मैं इनको क्यों, क्योंकि आपने भी शुरू में बोल दिया कि त्रि धातु से सभी ये निकल रहे हैं। फिर मैंने संस्कृत की डिक्शनरी भी निकाली, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि ये शब्द एक जैसे ही लग रहे हैं। अब आपने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी हद तक चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, वहाँ हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स में हमारी ट्रेनिंग है कि हर कंसेप्ट का एक जब हम शब्द यूज कर रहे हैं तो उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ में पहले जो आपकी जो फर्स्ट शीट है इसमें मुझे कोई यह दुविधा नहीं है, ये आपने ठीक लिखा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम द डिस्टेंस। दूसरा आपने ये फोर्स फॉर एक्शन एंड फार्मूला फॉर एक्शन एंड रिएक्शन जो न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं, आमतौर पर ज्यादातर दो आम कणाद ने भी इस पर काफी काम किया, इसमें भी आपत्ति नहीं है। थोड़ा सा सेटअप ये है कि एक्शन को हम जब यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो वो फोर्स लूज अर्थ में लिया जा रहा है, विच इज ओके। नॉर्मली हम बच्चों को पढ़ाते हैं 10th 11th में तो इसी ढंग से पढ़ा देते हैं, तो एक्शन को लूजली फोर्स भी कह दिया जाता है, विच इज ट्रूली स्पीकिंग रॉन्ग, वो मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन आपकी वो शीट जहाँ आपने फॉर्मूले दिए हैं उसमें बहुत सारे करेक्शंस की ये आवश्यकता है, वो मैं जरूर कराना चाहूंगा। ओनली जब हम फिजिक्स को हिंदी में करा रहे होते हैं तो सर्टनली हम वर्क को कार्य रूप में ही लिखते हैं, वहां मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्य का फॉर्मूला हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस है जो आपने पहले दिया वो ठीक है, ऊर्जा इंटू दूरी का कोई कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, इसको आप एक तो ठीक कर लीजिए। फर्स्ट शीट में ठीक है ये फोर्स इंटू यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी एक बात मैं थोड़ी यहाँ डालना चाहूंगा कि मान लो कि इसका एक टिपिकल उदाहरण मैं देता हूँ कि हम किसी व्यक्ति को कहें कि 1 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर कोई वजन उठा के लेके जा, तो इसमें फोर्स भी लग रही है ग्रेविटेशन की जरूर, और उधर वो डिस्टेंस भी लग रहा है, बट फिजिक्स में हम इसको कहते हैं कि कोई काम उसने नहीं किया, जबकि वो 1 किलोमीटर चल के गया, मजदूर भी परेशान हो जाएगा कि ये क्या टेक्निकली क्या कह रहे हैं। लेकिन वही व्यक्ति सिर्फ एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर कुछ हमारा सामान उठा के लेके जाए तो हम कहेंगे निश्चित तौर पर उसने काम किया है। इसका कारण यह है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्टेंस है, दोनों को हमने वेक्टर माना है, सदिश माना है। तो यदि फोर्स और डायरेक्शन पैरेलल हैं तो मैक्सिमम काम होता है, और यदि फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर हैं तो कोई काम नहीं होता। तो इसके बीच में एंगल यानी दोनों की दिशाओं का एंगल जो है उसका भी इंक्लूजन होता है, हम इसको वेक्टोरली एरो के रूप में लिखते हैं, एफ एरो डॉट डिस्प्लेसमेंट डी एरो। यहाँ तक मगर इसको लूजली हम बच्चों को जब पहली बार पढ़ाते हैं 9वीं 10वीं क्लास में तो बोल देते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसको तो कर लीजिए ठीक है बिल्कुल। दूसरा जो आपने लिखा है ऊर्जा बटे समय, इसका निश्चित शब्द हम लोग फिजिक्स में करते हैं पावर, और पावर शब्द को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ये भी मैंने सुबह अपने वो एक वैज्ञानिक शब्दावली मुझे निकालनी पड़ी जो कि सरकार की है, उसमें उसका अर्थ ये शक्ति करते हैं, पावर का अर्थ शक्ति। तो जबकि शक्ति को हम ऊर्जा के सेंस में भी ले लेते हैं, वो हम मगर लूज सेंस में ले रहे हैं। फिजिक्स में यदि हम पावर को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो वो शक्ति है, और उसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो उसकी जो डायमेंशन है वो वर्क ओवर टाइम हो जाएगा। तो जो कर्म आपने किया है यहाँ हम इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से शक्ति रखना चाहेंगे, नो डाउट शक्ति का कन्फ्यूजन ऊर्जा से होता है, लेकिन यहाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क है फिजिक्स में, ये इसको भी थोड़ी सी फॉर्मूला ठीक है, सिर्फ इसको कर्म को की बजाय हमें यहाँ शक्ति लिखना पड़ेगा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नो डाउट के पिछले सभी वक्ताओं का सुन करके मैं आनंद विभोर भी हूँ, एक से एक चीजें मुझे सुनने को मिली हैं, मैं उधर जाना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि वो दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं,
मेरा काम आपने भौतिकी के लिहाज से दिया है तो मैं वहीं पर रुकूंगा, जबकि हम सबको पता है कि गीता है वो उसमें भरपूर ज्ञान पड़ा है कर्म का, जो ऑलरेडी बहुत सारे वक्ताओं ने बताया। तीसरा जो लिखा है ये और भी खतरनाक चीज है, क्योंकि जब आप क्रिया को डिफाइन कर रहे हैं ऊर्जा इंटू दूरी बटे समय, ऐसी कोई इक्वेशन फिजिक्स में बिल्कुल नहीं है। ये तीन चीजें थोड़ी सी कर लीजिए, फिर मैं अपने थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि एक्शन जो है, अभी जैसे हमने कार्य शब्द का प्रयोग कर लिया, शक्ति शब्द का प्रयोग कर लिया, एक्शन को हम लूजली फोर्स के रूप में कह देते हैं जब हम लॉज ऑफ इमोशन करा रहे हैं, लेकिन एक्शन का फॉर्मल अर्थ जब हम आगे जाते हैं थोड़ा, ये मैकेनिक्स में ही आ जाता है, उसकी जो डायमेंशन है यानी जो उसके यूनिट्स हैं वो एनर्जी इंटू टाइम के हैं। ये बड़ी ये विचित्र चीज है और इसका एक खास महत्व भी है। असल में हम बाद में जाके कराते हैं बच्चों को बड़े इसमें क्लासेस में बीएससी वगैरह में कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है जो कि बेसिकली कॉजल लॉ है वो निकलता है लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल से, तो वहाँ हम उसको एक्शन फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि इंटेग्रल लॉ ऑफ एनर्जी ओवर द टाइम है। तो वो एनर्जी इंटू टाइम की यूनिट लेगा, बट इसका एक और महत्व भी है जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम क्वांटम थ्योरी में जाते हैं। क्वांटम थ्योरी में जाकर के ये जो एक्शन है जिस जो हमने अभी 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 समझा है उसका एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि किसी भी प्रोसेस में एक्शन जो है वो एक यूनिट कहते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट की, उससे कम नहीं हो सकता। क्योंकि वैसे आप एनर्जी इनटू टाइम लिखेंगे तो आप कहेंगे टाइम भी जीरो हो सकता है, एनर्जी भी जीरो हो सकती है, एक्शन भी जीरो हो सकता है। तो उसमें यह है कि किसी भी प्रोसेस में जो भी घट रहा है उसमें जो एक्शन है इट मस्ट बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। वो बड़ी अच्छी रिस्ट्रिक्शन है जो आ जाती है, इसका भी ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। एक्शन फॉर्मूले उस ढंग से डिफाइन करते हैं। तीसरी बात जो बीच में बहुत अच्छे वक्ताओं ने कार्य कारणवाद की है, इसको मैं जरूर थोड़ा सा लेना चाहूंगा, क्योंकि पूरी फिजिक्स और उसके साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी और शायद साइकोलॉजी भी यदि किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है तो वो कार्य कारणवादी है, प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी। इसके सिवा कोई और है नहीं। जितने भी हम नियम देख रहे हैं मूल रूप से वो कार्य, चाहे हम उनको फॉर्मूला में लिखें या जैसे भी लिखें, वो कार्य कारणवाद का ही रूप है। और यदि हम इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फिर कहें तो सबसे पहले अगेन हमारे को लॉज ऑफ इमोशन में आना पड़ता है, जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं एफ इक्वल टू एम ए फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको अच्छे ढंग से कराना हो तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो इसमें फोर्स जो है कॉज है, जिसको हम बल भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक्शन जो उसका इफेक्ट है वो उसका एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि यही जो कॉजल प्रिंसिपल जब हम क्वांटम थ्योरी में ले जाते हैं, क्योंकि क्वांटम थ्योरी में किसी भी चीज के होने ना होने का जो फैसला है उसका एक टेक्निकल मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं, वो ही डिसाइड करता है। और वेव फंक्शन जो है वो किसी भी एंटिटी का, चाहे वो कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका पास्ट एंड फ्यूचर उसके पास है जी, एक बड़ा ये निश्चित चीज है। उसे विशेष किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन में से निकाला जाता है, लेकिन वहां पर कॉज का जो रोल है वो फोर्स के बजाय पोटेंशियल है। काइंड ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्षमता भी आप इसको बोल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी इज द कॉज और उसका जो परिणाम है वे फंक्शन है। तो मूल रूप से मैं ये चीजें एक्चुअली कहना चाह रहा था। ये जरूर है क्योंकि बहुत सारे मित्रों ने वैशेषिक दर्शन और न्याय वगैरह के बात किया, मैंने खुद थोड़ा सा आईकेएस के ये सिलसिले में इसमें काम किया है, तो वहाँ कई शब्दों का प्रयोग मुझे मिला है। इनफैक्ट शुरू में ही पहले ही चैप्टर में कर्म गुण वगैरह का जो वर्णन आता है, तो कर्म को जो मोशन के रूप में लिया गया कि कर्म, क्योंकि कर्म के हमें गति बताई गई है, उसमें ऊपर फेंकना नीचे जाना या सामान्य गति जो है, इसके साथ में परिवर्तन को भी लिया जा सकता है जो संकोचन और विस्तारण के लिए है, क्योंकि ये दो शब्द भी अपना गणनाथ महर्षि ने इस्तेमाल उसमें किए, प्रयोग किए हैं। लेकिन उसके बाद में एक चीज और भी आती है जो मेरे लिए भी थोड़ा सा परेशानी का विषय है, क्योंकि मैं संस्कृत का विशेषज्ञ किसी हालत में नहीं हूँ। इसमें 14वां जो श्लोक है पहले अध्याय का, वहां लिखते हैं कार्य विरोधी कर्म।
तो कार्य विरोधी कर्म कई मित्रों ने इसके ट्रांसलेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तरह कही है, मुझे उसमें कोई विशेष आपत्ति भी नहीं दिखती, बट फिर कार्य और कर्म का एक एक जैसे ना हुए तो प्रश्न फिर यहाँ पर खड़ा यह हो जाता है। तीसरा उन्होंने एक जगह फिर क्रिया शब्द का भी परिभाषण दिया है 15वें श्लोक में, क्रिया गुणवत् समवायी कारण मिति। जी जी, उन्होंने क्रिया को भी डिफाइन करने की कोशिश की है। तो नो डाउट इन्होंने 5वें अध्याय में महर्षि कनाद ने बहुत गहरी व्याख्या मोशन की भी दी है, और वो इतनी गहरी है कि आदरणीय ढोंगरे जी ने पुस्तक अपने फिजिक्स एंड एंशियंट इंडिया में काफी हद तक प्रशस्त पाद के भाष्य के ऊपर आधारित होकर के 3 लॉ यहाँ दिए हैं हमें। मुझे जरा अलग निकलने पड़ेगी इसके नजदीक के लिए। 3 लॉ उन्होंने ये निकाल के दिए हैं, वेग निमित्त विशेषता विशेषात कर्मणो जायते, दूसरा लिखा है वेग अपेक्षात कर्मणो जायते नियत दिक क्रिया प्रबंध हेतु, फिर लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा है वेग वेग संयोग विशेष विरोधी विचारण गुण पूर्वक कर्मणो व्यायाम, बोलना अच्छा नहीं है बट वहां से हम इसको निकाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने कार्य विरोधी कर्म का जो हमारा 14वां अध्याय का श्लोक, इसका 14वां श्लोक का पहले अध्याय का, उसमें भी दिया है। तो वहां उन्होंने बहुत अच्छा क्लेम किया है कि आमतौर पर जिसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कह रहे हैं बहुत नजदीक है कनाद उन 3 लॉज के, और वो हमें मिल भी रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं साफ साफ कह रहे हैं कि फोर्स इज द स्पेसिफिक कॉज फॉर मोशन। फर्क ये कि मोशन के बजाय हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए या चेंज इन मोशन चाहिए, लेकिन दूसरे श्लोक में वो भी काफी हद तक हमें मिलता है कि यदि हमें ज्यादा मोशन चाहिए यानी ज्यादा चेंज चाहिए तो ज्यादा फोर्स भी चाहिए। बट ये कंफ्यूजन रहेगा कि क्या हम इसको फर्स्ट और सेकेंड लॉ के साथ इक्वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट इतना तो मानने को है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मोशन प्रोड्यूस। अब यही चीज एरिस्टोटल ने भी कही थी जिसको न्यूटन ने कंट्राडिक्ट किया, बट उस अवस्था में जब अभी हमारे पास वैज्ञानिक प्रयोग भी कम थे, इस कंसेप्ट पे इस यानी नियमों पर भी पहुंचना कोई साधारण बात नहीं थी। और 3000 साल पहले से ज्यादा का हम ये मानते हैं कि ये ग्रंथ है, उसके बाद भाष्य भी बहुत पुराने हैं, 5वीं सदी के शायद हैं, और इसके अंदर जो उन्होंने कई नए शब्दों का प्रयोग किया है खासतौर पर प्रसाद पाजे ने और न्याय कंदले में भी, उससे हमें ये मालूम होता है कि हम बहुत सारे फिजिक्स के जो नए कंसेप्ट जो हमें चाहिए थे, मोमेंटम है, एम्पिटस है, संवेग है, वो सब हमें मूल रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रहे हैं। एक लास्ट चीज में जरूर कहना चाहूंगा कि जो बल है जो हमने जिसको एक्शन कहा है, क्योंकि एक्शन ही हर चीज का कॉज है बेसिकली, एक्शन से ही सब चीजें निकलती हैं, तो हम इसको क्रिया को बल के रूप में या क्रिया को इंटरेक्शन के रूप में भी कह सकते हैं, और हम ये मानते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं या 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन हैं जो मूल से गुरुत्वाकर्षण के हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, विद्युत चुंबकीय हैं, और 2 विशेष हैं जो सिर्फ नाभिक की क्रियाओं में होते हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बोलते हैं, और फाइनली जो है वीक इंटरेक्शन जो केवल जो है किसी चीज को बांधते नहीं है। पहले 3 जो है बल वो बांधते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण से पूरा यूनिवर्स बंधा हुआ है, और विद्युत चुंबकीय जो है बल से या इंटरेक्शन से हमारे एटम मॉलिक्यूल सब कुछ इवन लाइफ भी बनी हुई है, और जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उससे नाभिक में लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह भी संभाल के रखता है। वीक फोर्स कोई बंधन नहीं पैदा करती, लेकिन वो वस्तुओं के रूप का परिवर्तन करती है, एक पार्टिकल डिके होकर के दूसरे पार्टिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आके मैं अपनी बात जो है रुकता हूँ। जी, आपकी बात को सुनते सुनते मेरे मन में आ रहा था कि कश्मीर शैव दर्शन जो है उसमें ये सारी मतलब बिल्कुल मैं वो एट पार चीजों को देख पा रहा था कि किस तरह से एनर्जी अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, किस तरह से वो इंटीग्रेट होते हैं और एक दूसरे कई तरह की शक्तियां जो हैं वो एक साथ रहती हैं। शिव का जो पंच क्रिया कारित्व है वो जो आप ये 4 फोर्सेस की बात कर रहे थे ये लगभग उसमें समाहित हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो देखने की दृष्टि चाहिए, और आपने बड़ी सुंदर बातें उठाई हैं, और वाकई ये पक्ष से तो मैं ज्यादा परिचित नहीं था, लेकिन आपने वो एक दृष्टि का जो विस्तार किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार।
तो और आपके लिए जो है डॉक्टर रवि जी ने जो है वो दो कमेंट्स किए हैं चैट बॉक्स में, उनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तब तक मैं थोड़ा अग्रसर होना चाहता हूँ क्योंकि समय जो है वो जा रहा है। तो डॉक्टर बलविंदर आचार्य जी, उसके बाद कुमार सी आर जी, फिर रविंदर कुमार गुप्ता जी, ताकि हम जल्दी जल्दी ले सकें। जी बलविंदर आचार्य जी, सर आप हैं यहाँ पर हमारे साथ? लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। तब तक कुमार सी आर जी, जी सर आप सुन रहे हैं? ओके। रविंद्र कुमार गुप्ता जी, जी सर। धन्यवाद आशुतोष जी। वैसे तो आज पहले तो मैं जितने भी पूर्व वक्ता हैं मेरे से, उन सब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने किस प्रकार से भगवद गीता के संदर्भ में आज के विषय की व्याख्या की। बड़ी अद्भुत थी मेरे लिए, एक सामान्य व्यक्ति के संदर्भ से, दृष्टिकोण से भगवद गीता के संदर्भ में मैं केवल 2 मिनट लूंगा आपसे। जी। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षण बिना कार्य के नहीं रह सकता। यानी कि यदि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये मैं तब भी कुछ कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें, निठल्ला या ठलुआ गरीबी में कार्य है। तो कार्य का तो अर्थ है जो दृश्यव्य है, जो दिखता है। जब आप इस कार्य को साथ निश्चयात्मक बुद्धि को जोड़ देते हैं जी, तो वो क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। और जब आप इस क्रिया में ज्ञान रूपी चैतन्यता को जोड़ देते हैं तो वह कर्म में परिवर्तित हो जाती है। और उसी के आधार पर भगवद गीता में जब हम बात करते हैं सत्कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म, उसी के आधार पर उनकी व्याख्या की गई है। तो मेरा 2 मिनट में इतना ही केवल कहना है कि ये जो 2 इक्वेशन है कि कार्य प्लस निश्चयात्मक बुद्धि इज इक्वल टू क्रिया, क्रिया प्लस चेतनता इज इक्वल टू कर्म, इस दृष्टिकोण से और विद्वान साथी यदि अपनी बात कहें तो मेरा, मैं उनके प्रति बड़ा आभारी रहूंगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में और सटीक बात रखने के लिए तो आभार है ही है, और ये एक अच्छे आपने आयाम भी जोड़ दिया इसमें। डॉक्टर सुभाष जदू जी एंड डॉक्टर काला राया प्रोलू, मैं शायद नाम उच्चारण शायद सही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहे, और उसके बाद डॉक्टर अखिलेश जी, वो भी अभी जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुभाष जी आप कुछ कहना चाहेंगे, और डॉक्टर काला नाम शायद मैं उच्चारण ना सही कर पाऊं तो मैं इसलिए थोड़ा सा संकोच कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरा निवेदन सभी लोगों को प्रणाम करने के बाद जी, जहां तक हम कर्म क्रिया और उसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं एक दृष्टिकोण आप सब लोगों के सामने रखना चाह रहा था जी, और उसकी फिर परिभाषा आप कैसे करेंगे वो मैं पूरे ग्रुप पे ही छोड़ दूंगा। हमारे यहाँ जब किसी भी आदमी की डेथ होती है तो फिर डेथ के बाद उनके 11वें 12वें या 13वें दिन में जो क्रिया करते हैं उसमें एक क्रिया है सोपेंडी करके नाम है उसका, मुझे पता नहीं मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं, तो उसमें सोपेंडी का इस्तेमाल होता है। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं तांत्रिक विद्या में, वो जब पिंड बनाते हैं तो पिंड जिस आदमी की देह रुक गई है उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर, 3 जनरेशन की पिंड बन करके तीनों को मिला देते हैं। और एक पिंड होती है जो विटनेस होती है, जो ये देखती है कि हम उस पिंड को साक्षी मान करके ये 3 पिंडों का समावेश करते हैं।
तो फिर ये समझा जाता है कि जो जिस आदमी की मृत्यु हुई है वो सुपिंडी के बाद अपने पूर्वजों के साथ समाहित हो गया। अब अगर ये एक तांत्रिक क्रिया है तो एक जेनेटिकल लॉ है हमारे पास, मेंडल्स लॉ। उसमें वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी करेक्टरिस्टिक जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होता हो वो अगर आप देखना चाहते हैं कि उसका इफेक्ट कहाँ सबसे ज्यादा है, वो कहते हैं जो F1 जनरेशन होगी, यानी कि माता पिता का जो पहला जनरेशन होगा वो F1 में आ जाता है। जी जी। लेकिन जब F1 के बाद हम आगे निकलते हैं, F1 के बाद दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, F2, F3 तक, तो वो कहते हैं फिर वो करेक्टर उनमें स्टेबल होना शुरू हो जाता है जनरेशन में। जिस तरह से हम चावल गेहूं की नई नई फसलों में बीज निकालते हैं, तो फिर F2, F3, 4 के बाद वो जनरेशन स्टेबल हो जाती है, क्योंकि कहते हैं F1 में फिर स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन इफेक्ट जो होता है वो पेरेंटल का F1 जनरेशन में जेनेटिकल लॉज के कारण कहते हैं ज्यादा होता है। अब मेरा प्रश्न ये तो परिपेक्ष था, बैकग्राउंड था ये। अब मेरा सिर्फ प्रश्न ये है, जहाँ ये कर्ता क्रिया कर्म ये तीनों इस्तेमाल हम करते हैं, तो इसमें हमारी जो सांस्कृतिक, जो सनातन संस्कृति में जो इस्तेमाल करते हैं कि हर एक चीज में क्रिया है, तो अगर ये दोनों परिपेक्ष को हम देखते हैं कि जेनेटिकली हम अगर तीन जनरेशन में एक करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं और सोपिंडी के टाइम पे हम तीनों जनरेशन को मिला करके क्लोज करते हैं, तो क्या इसमें वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम अभी डॉक्टर साहब जो फिजिक्स के बारे में कह रहे थे कि प्लैंक कांस्टेंट या दूसरे कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कांस्टेंट्स वही कांस्टेंट्स डिफाइंड हैं क्या जो हमने कभी आज से 4,000-5,000 साल पहले समझे होंगे? क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर और वाकई बहुत सुंदर प्रश्न है। मेरे मन में बहुत दिन से जिज्ञासा थी कि आप एक ऐसा मंच कहीं पे खड़ा करेंगे तो मैं ये प्रश्न करूंगा उसमें, तो क्या ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम अंग्रेजी में कोई भी नाम, प्लैंक कांस्टेंट, आइंस्टीनियन थ्योरी, मतलब वो तो ठीक बात है, उनको नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो क्या ये सब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम फिजिक्स की टर्म्स में करते हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब जो अंग्रेजी भाषा में मैकेवेल एजुकेशन में हमें पढ़ाया गया, क्या ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वही था जो हम सुपिंडी में अपनी क्रिया में करते थे, या जो हम किसी को विटनेस करके काम करें? मतलब आप एक देख लीजिए ना, एक खगोली एक इवेंट है हमारे पास कि हम जितनी भी क्रियाएं पूरी कॉस्मोस में या अपने सोलर सिस्टम में कर रहे हैं, तो हमारा एक साक्षी सन होता है उस वक्त जो पूरे सोलर सिस्टम को बैलेंस कर रहा है, यानी कि वो एक विटनेस है जिसके सामने अर्थ रोटेट हो रही है और मून भी साइकिल कर रही है। तो अगर ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमें पहले से पता है तो हमें एक ग्रुप की डॉक्टर साहब जरूरत है जो गूगल पे, जी चैट पे इन सब चीजों को ऐड कर देगा कि भैया ये हम इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, अगर प्लैंक एंड कांस्टेंट है या आइंस्टीनियन थ्योरी है या न्यूटन्स लॉ है, भैया इसका इक्विवेलेंट ये भी है। जी जी। ये एक प्रयोग हम बहुत दिन से सोच रहे थे, मन में बहुत जिज्ञासा थी आपसे। आपका ये सत्संकल्प है तो निश्चित रूप से इस सत्संकल्प की अभिव्यक्ति का प्रथम पुष्प तो मुझे लगता आज ही है, और बहुत जल्दी ही इसका कोई ना कोई दूसरा पक्ष लेंगे। हालांकि कर्मकांड का पक्ष हमने अभी तक छुआ नहीं है इस सारी चर्चा में, लेकिन कर्मकांड की वैज्ञानिकता और उसके सौंदर्य पक्ष पे जब चर्चा करेंगे तो ये सारे चर्चाएं उसमें आएंगी, क्योंकि कर्मकांड में जब आप इस तरह का एक व्यवस्था देते हैं, पंडित आपको थाली में रख के 9 ग्रहों की स्थिति देता है, तो निश्चित रूप से वो केवल स्थिति नहीं दे रहा, वो आपको उनके मूवमेंट्स, उनके एनर्जीज और वो बहुत सारी चीजें, मास, एनर्जी, सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन उस तरह से तो हम देखते नहीं है। तो लेकिन बहुत सुंदर प्रश्न है, आई रियली अप्रिशिएट दिस,
सो मच, थैंक्स फॉर दिस। आपका हाँ रिस्पॉन्स जरूर अभी लेंगे, लेकिन तब तक और भी कुमार सी आर जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपनी बहुत संक्षिप्त सी एक टिप्पणी हमारे साथ साझा करें यार, जो भी आप। अच्छा रमेश वर्मा जी ने भी हाथ खड़ा किया, अरुण कुमार जी ने भी, उसके बाद डॉक्टर अखिलेश जी। जी रमेश जी सर, बड़े अच्छे प्रश्न उठाए हैं। पहले तो मैं रवि जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़े गंभीर प्रश्न फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उठाए हैं, क्योंकि हम आज के डेट में, मैं आई एम श्योर कि ही नोज ऑल दिस थिंग्स बट ही बेसिकली आस्क मी टू एक्चुअली स्पीक अबाउट इट। हम लोग बीइंग पार्टिकल फिजिक्स, जैसे मैंने चार फोर्सेस की बात की है, हम तीन फोर्सेस को स्टैंडर्ड मॉडल जो हम आमतौर पर बोलते हैं उसको हम क्वांटम थ्योरी में रख पाए हैं। लेकिन जो ही हम ग्रेविटी की बात करते हैं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा लिमिट जो है हाई एनर्जी फिजिक्स है, जो कि टॉकिंग अबाउट स्मॉल एंड स्मॉल है। तो ग्रेविटी पर जब हम आते हैं तो प्लैंक लेंथ, प्लैंक स्केल्स का बड़ा बड़ा महत्व हो जाता है। तो एक कॉस्मोलॉजिस्ट से मैंने गंभीर चर्चा में पूछा कि मुझे आप एक्सक्लूसिव टाइम दीजिए और मुझे बताइए, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। प्लैंक, पहले तो मैं प्लैंक टाइम की बात कर दूं, विच इज रफली 10^-43 सेकेंड। तो ये ऑनेस्टली स्पीकिंग फिजिक्स वाले ये क्लेम तो कर सकते हैं कि 10^-43 सेकेंड आफ्टर बिग बैंग क्या हुआ है वो हमें पता है, लेकिन जीरो जब बिग बैंग हो रहा है, सो कॉल्ड सिंगुलैरिटी बोलते हैं उसको, सिंगुलैरिटी का मतलब है जहाँ फिजिक्स इन ए वे फेल ये हो जा रही है, हमें को समझ में नहीं आ रहा, इन्फिनिटीज आ जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं हो रही है। डॉक्टर साहब, इसके लिए शब्द जो है शैविज्म में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रथम स्पंद है। यस या बिल्कुल, वो प्रथम स्पंद ही असली चीज है। तो 10^-43 सेकेंड में हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ही चाहिए, इसका मतलब है हमें प्लैंथ लेंथ पे जाकर के हमारी सीमाएं आ जाती हैं। तो मैंने कुछ प्रश्न वहाँ उठाए एनर्जी का, टाइम का, वो कॉस्मोलॉजिस्ट वेल नोन है कुमार कैलेंडर में आजकल, तो कहते हैं आप उस समय कुछ भी कह सकते हो। तो अभी जो रवि जी का प्रश्न है उस मामले के साथ ही संबंधित है कि बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल, क्योंकि क्वांटम थ्योरी कॉन्शियसनेस की बात करना चाह रही है, और यदि हम बियॉन्ड ये स्टैंडर्ड मॉडल जाएंगे तो नए एस्पेक्ट्स वहां पर जरूर उत्पन्न होंगे। उन्होंने क्वांटम इन्फॉर्मेशन की बात भी किया जो हमें धीरे धीरे फिर चेतना की तरफ ला रही है। तो क्वांटम इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें ये कन्विंस किया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन भी फिजिकल है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल और स्पिरिचुअल या कॉन्शियसनेस के डायमेंशन को थोड़ा ढीला तो करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं ओवरलैप शायद करते हैं, जो बहुत सुंदर आपने कश्मीरी सैविज्म में बात की है, क्योंकि वहां पर मैटर को भी हमने डिवाइन बना लिया है या उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि शिव और शक्ति में नहीं रहा है। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और मैं चाहूंगा कि आप कभी कश्मीरी सैविज्म पर भी कोई टॉक अरेंजमेंट करें। उनका जो है टेक्निकल सा क्वेश्चन था, वो आई एम श्योर कि मैंने कोशिश किया देने की, नो डाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवमेंट है, स्पीड है। मेरा उद्देश्य कहने का यह था कि वर्क डन तभी होगा जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो यदि मोशन हॉरिजॉन्टल है और फोर्स वर्टिकल है, जैसे एक व्यक्ति सामान उठा करके सिर उठा के हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है, उसकी मस्कुलर पावर यूज हो रही है, दैट इज अ सेपरेट इशू। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो शायद काम नहीं कर रहा, बट ही नोज इट, सो मुझे कोई ज्यादा उनको बताने की जरूरत नहीं है। अभी जो ने जो क्वेश्चन उठाया वो बड़ा गंभीर है, मैं उसको जरूर लेना चाहता हूँ। उनका उद्देश्य है तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन टेक्निकली वो कहीं ना कहीं स्लॉपी हो रहे हैं, सो वो मैं इश्यू छेड़ना चाहूंगा। पहली बात, फिजिक्स को हम मैकावेले ने ना कहें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि मैकावेले के तो उद्देश्य ही बड़े परवर्ट थे और बड़े खराब थे, उसके हम ये सजा आज भी भोग रहे हैं। वो मैं समझता हूँ, लेकिन जो फिजिक्स का जन्म खासतौर पर वो हमने भी किया है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा कि पूरी फिजिक्स एक कैलकुलस के बगैर, जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ग्रो नहीं कर सकती, और उसका श्रेय भी हमें देना पड़ेगा कि भास्कराचार्य 2150 में कर चुके हैं, लेकिन जो उसकी एप्लीकेशन जो बाद में केरला स्कूल ने भी की है वो सब रेलेवेंट है। लेकिन फिर भी जो फिजिक्स की जो ग्रोथ हुई है विद ड्यू रिगार्ड टू इंडियन ग्रेट नॉलेज सिस्टम, वो अपने आप में यूनिक और सुपर्ब है। कंसेप्चुअल हमें सिमिलरिटीज मिलती हैं, बट न्यूमेरिकली एक्सपेरिमेंटल नहीं, ये मैं एम्फेटिकली कहना चाहता हूँ। दूसरे प्लैंक कांस्टेंट को हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डायरेक्टली कपल ना करें। नो डाउट फिजिक्स में जहां पर भी क्रिया कहीं हो रही है वो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रही है,
उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन के शुरू में हमें एक चीज डिसाइड करनी पड़ती है कि हम केवल उन चीजों को वास्तविक मानेंगे, ये हमारी परिभाषा है, इसके साथ हमारा झगड़ा नहीं है। आत्मा है, सुंदर है, नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी फिजिक्स की परिभाषा में रियलिटी की डेफिनेशन है विच कैन बी ऑब्जर्व, नॉट ओनली बी ऑब्जर्व, इट शुड बी मेजरेबल। तो जो ही आप मेजरेबल कहते हो उसके साथ यूनिट आ जाती है, नंबर आ जाता है, तो वो नंबर डॉक्टर नहीं। इसमें जो सुभाष जी का जो वक्तव्य का आशय था, आशय वो ये था कि अगर इसको हम भारतीय संदर्भ में पढ़ाते तो आज ये फिजिक्स बहुत ज्यादा सुखकारी भी होती और ज्यादा सेंसिटिव होती। वो अपने जगह सही है, हाँ, बस लेकिन ये उनका पक्ष था। जैसे महत्वपूर्ण को हम, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ यदि वो हमें कहीं से भी निकाल के दिखा दे, कोई भी निकाल के दिखा दे। उनका आश्चर्य शुभ है और मेरे भी उनके साथ पूरी सहानुभूति है, क्योंकि मैं भी फिजिक्स में होकर के भी मेरे को है कि हमारे पास बहुत कुछ अनंत साहित्य पड़ा है, हम अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। राइट सर, डॉक्टर रवि शर्मा जी सर, मैं एक छोटी सी टिप्पणी सुभाष जी के, पहले तो रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे कई प्रश्नों का यही जवाब दे दिया। अभी मैं आपसे काफी गुड चर्चा वैसे भी कर रहा हूँ तो वो करता रहूंगा, और आपका जो एक्सप्लेनेशन आज बड़ा सुंदर और बहुत छोटे समय में आपको इतनी बातें हमको बताने को बाध्य किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया और काफी डीपली आपने, सर्टनली आपने प्रैक्टिकल फिजिक्स को काफी डीपली अच्छी तरह सोचा है, और हमारी आपकी चर्चा जब बढ़ेगी आगे तो HEP पे बढ़ेगी, हाई एनर्जी फिजिक्स पे। पर इतना कह के मैं इमीडिएटली जादू जी की एक बात पसंद आई मुझे, जादू है आप या जादू जी हैं? जादू जी, कश्मीर के जादू। हाँ जादू जी, एक आपका बहुत अच्छा लगा, आप सिर्फ बायोलॉजी में ही रहिए, आप फिजिक्स तक मत जाइए। इस क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसका, आपने सपिंडी श्राद्ध कहा है, ज्यादातर कर्मकांड के शैविज्म कश्मीर वाले में भी होते हैं, पर राजस्थान जैसी जगह पे भी जहाँ व्यक्ति चले जाते हैं तो कर्मकांड होते हैं, तो ये सपिंडी श्राद्ध में तीनों जनरेशंस को मिलाना बड़ा कॉमन है। दे गो टू पिता, पिता में वृद्ध पिता में, दोनों साइड के, मदर साइड एंड फादर साइड, सो लाइक 3-4 जनरेशंस दे कवर, एंड देन दे से कि अब उस जीव की मुक्ति है, आपको आगे कोई श्राद्ध नहीं करने पड़ेंगे, और वो श्राद्ध लास्ट में होता है, चाहे आप उसे बद्रीनाथ जाकर करें या कोई नहीं जा सकता है तो गया में कर। तो दूसरी बात ये कहना है कि आपका जो पैरेलल उससे मेंडल्स लॉ से किया ना, वो मुझे पसंद आया। मेंडल्स लॉ और सपिंडी श्राद्ध तक का कनेक्शन एक बायो और DNA की दृष्टि से शायद काफी रेलेवेंट होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसको फिजिक्स तक अभी ले जाना कम से कम मेरे तो माइंड के बियॉन्ड है। मैं अभी लाइफ कैसे हुई, एलिमेंट्स से लाइफ कैसे पैदा हुई, वही पोर्शन पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो अभी तक तो वो केमिकल एग्जिस्टेंस तक पहुंचे हैं, केमिकल टू बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ पाए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो पैरेलल किया वो अच्छा किया, पर बायोलॉजी DNA तक सीमित रहा वो पूरा। जी राइट, अल्टीमेटली फिजिक्स सब में आएगी, जैसे केमिस्ट्री में भी फिजिक्स आती है, वो इस तरह लाइफ में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी, पर ये एनवेलपिंग है। बायोलॉजी फिजिक्स के लॉज के खिलाफ नहीं चलती है जनरली स्पीकिंग। राइट, ये बस इतना जी। डॉक्टर सुदर्शन जी और उसके बाद जी आशुतोष जी, एक छोटा प्रश्न जी। जो अभी दोनों वक्ताओं ने फिजिक्स के बारे में चर्चा की, उसके लिए मेरा एक और
जिज्ञासु हो गया, जब मैंने लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन एक दृष्टिकोण और आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जी सर। मैं एक बीज हूँ, मैं पृथ्वी के अंदर हूँ, जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट होने के बाद मेरे अंदर रूट निकलता है। वो फिजिक्स के सारे लॉज को परफेक्टली हैंडल करता है, फिजिक्स के। क्योंकि मैं इम्बाइबिंग प्रोसेस शुरू करता हूँ जब से मैं जन्म लेता हूँ, क्योंकि बिना इम्बाइबेशन के तो मेरा सर्वाइवल ही नहीं, चाहे पानी ले लूँ या मिनरल्स ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मतलब बिना इम्बाइबिंग के तो मेरा सर्वाइवल नहीं। जी जी। अब मैं इम्बाइब कर रहा हूँ कब से, जब से मैं इस प्रकृति में बीज से जन्मा हूं, और पूरी फिजिक्स हैंडल कर रहा हूं मैं जब तक मैं जड़ में। जैसे ही मैं अपना बाहर अंकुर कर लेता हूं, फिर सूर्य प्रकाश मुझे चेतना में ले जाता है और मैं ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता हूं। जब ये सूर्य प्रकाश मुझे मिलता है तो मुझे फिर फिजिक्स टच कर देती है, क्योंकि क्लोरोफिल में मैं फोटोन को कन्वर्शन कर देता हूं। जी। तो इन चीजों की जिज्ञासा के कारण मैं बिना फिजिक्स के तो जीवित ही नहीं। आप मुझे कितनी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री दिखा दीजिए या पढ़ाइए, जब तक मैं उसमें फिजिक्स का समावेश नहीं करूंगा तब तक तो मेरा पूरा दर्शन ही इनकम्प्लीट। जी। तो उसके लिए जब तक नहीं नहीं मेरा पूरा प्रश्न ही नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल मैं समझ रहा था, मैं तो शब्द इस्तेमाल करने लगा था, क्रांत दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक मैं फिजिक्स के लॉज को अडॉप्ट नहीं करूंगा तो मेरा तो आपका पहला योग क्रिया सांस लेना ही पॉसिबल नहीं है। मेरी जिसपे पूरी योग व्यवस्था स्थित है वो उसी सांस लेने पे है, मैं ट्रांसफ्यूजन ऑक्सीजन कार्बन का कर रहा हूँ। जी। वो तो फिजिक्स है सारी। तो मैं दोनों वक्ताओं से एक निवेदन पुनः करना चाहता हूँ कि बिना फिजिक्स के तो मैं कोई भी चीज समझ ही नहीं सकता हूँ, चाहे वो आप केमिस्ट्री कहिए, चाहे आप वो बायोकेमिस्ट्री कहिए, बायोलॉजी कहिए, जेनेटिक्स कहिए, मतलब बिना फिजिक्स के तो मतलब मेरा अस्तित्व ही नहीं, एक बीज का होने के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत सुंदर आपने, बल्कि मैं तो यही कह रहा था कि आपने तो कविता में फिजिक्स को पुरो दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बड़े संयमित तरीके से आपने ये बात रखी, धन्यवाद आपका। जी सुदर्शन जी, और उसके बाद अरुण कुमार उपाध्याय जी भी, और योग श्री जी भी। योग जी सर नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए एक बार, क्योंकि मैं माइनस बन रहा हूँ स्टेट एंड लेफ्ट। जी जी सर, मैं मेजर सुदर्शन हूँ, और मैं एक मतलब मैं अभी प्रेजेंटली अभी लॉ परस्यू कर रहा हूँ, आई एम फाइनल ईयर ऑफ लॉ, अदरवाइज आई हैव बीन इन आर्म्ड फोर्सेस एंड हैव वर्कड इन आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम एंड वेरियस अदर सेक्टर्स, और अब जो है मैं लीगल फील्ड की मूव कर रहा हूं। तो मेरा सवाल एक है, मैंने पहले तो मतलब इतने सारे उनको सुना, आई एम रियली हैप्पी बिकॉज बहुत ही ज्ञानवर्धक था, खास तौर पर फिलोसफिकल और साइंटिफिक फिजिकल, तीन चार सभी एलिमेंट से मैंने इसको सुना, और वाकई में बहुत अमेजिंग था जो डिस्क्रिप्शन था, इवन जेनेटिक्स और बायोलॉजी भी उसमें आ गया। मैं मेरा क्वेश्चन बड़ा बेसिक है सर, कि हम कर्म और इसकी जब बात कर आपकी आवाज कट गई सुदर्शन जी। सुदर्शन जी आवाज नहीं आ रही। चलिए तब तक अरुण कुमार जी की बात ले लेते हैं। कर्म काम क्रिया की बात। डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है। मिस्टर साहब
आपकी आवाज कट रही है, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। मेजर साहब आप एक बार रिजॉइन कर लीजिए डिस्कनेक्ट करने के बाद, आप रिजॉइन कर लीजिए एक बार डिस्कनेक्ट करके। हाँ क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज, साउंड ब्रेक हो रही है। चलिए तब तक अरुण जी आप अपनी बात कह लीजिए और सुदर्शन जी के बाद फिर योगश्री जी और फिर हमारे डॉक्टर अखिलेश जी। दो चीजों का संबंध तो डायरेक्टली क्या हम मुक्ति को एज ए पर्पस मान करके चल रहे हैं? ओके हेलो सर हमें ऑडिबल बनाओ भारत में। सुदर्शन जी, सुदर्शन जी एक सेकंड रुक जाइए आप। हाँ जी हाँ जी अरुण जी। सपिंडीकरण विषय में भारत में तीन प्रकार के अनुवंशिकी सिद्धांत हैं वेदों में। एक तो पूर्वजों से माता पिता के क्रम से पूर्वजों से जो गुणसूत्र मिले हैं एक वो है, दूसरा है कि अपने ही पूर्व जन्मों का संस्कार, और तीसरा है गर्भ काल में हमने क्या क्या गुण मतलब परिस्थिति से वातावरण से लिए हैं। इनको तीन ऋण के रूप में भी हम कहते हैं, वो अलग विषय है। दूसरा चीज है कि जो माप है जैसे प्लैंक्स लेंथ वगैरह या टाइम की, वो माप हमारे विज्ञान के पाठ्य पुस्तक तो नहीं है लेकिन अलग अलग दार्शनिक पुस्तकों में उनकी माप दी हुई है और आश्चर्यजनक रूप से सही है, लेकिन माप के अर्थ में उनका अनुवाद नहीं हुआ है। जैसे विष्णु पुराण में कहा है कि मनुष्य से जितनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी से उतना ही बड़ा सौर मंडल का आकर्षण क्षेत्र है, और उससे उतना ही बड़ा ब्रह्मांड या गैलेक्सी है, और ब्रह्मांड से उतना ही बड़ा विजिबल यूनिवर्स जिसको कहते हैं तपालोक है। तो ये माप बिल्कुल सही है और आधुनिक युग में भी 1950 के बाद ही पता चला। छोटे विश्वों का भी क्रम है कि मनुष्य से क्रमशः छोटे एक एक लाख भाग छोटे 7 विश्व स्तर है। जैसे 1 लाख भाग छोटा कोशिका है उसकी माप दी हुई है, फिर 1 लाख भाग छोटा अणु है उसकी माप श्वेता सूत्र उपनिषद दी है, फिर 1 लाख भाग छोटा न्यूक्लियस है उसकी माप भी दी हुई है, एक्यूरेटली दी हुई है। और उससे नीचे और 4 स्तर है, और सबसे छोटे स्तर को ऋषि कहा है जिसका शाब्दिक अर्थ रस्सी है वहां पर। तो मॉडर्न स्ट्रिंग थ्योरी में भी वही माप है 10^-35 मीटर है, और भागवत पुराण में लिखा है कि उस माप को प्रकाश जितनी दूरी में तय करता है वो काल का परमाणु है। सकाल परमाणु यो भुंकते परमाणु तांग, तो वो प्लैंक्स टाइम होगा 10^-43 सेकंड। हर जगह माप दिया हुआ है लेकिन उस अर्थ में अनुवाद नहीं हुआ है। दूसरी चीज है कर्मयोग की परिभाषा, उसके बारे में भ्रम है कि बिना फल के आशा के कर्म करना चाहिए, प्रचार होता रहता है, लेकिन कर्म हमेशा फल के लिए ही होता है। तो इसमें योग का क्या अर्थ है कि कर्म में ही हमारा मन लगा रहा है, इधर उधर की चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाए। तो कर्म और मन का योग है, ये कर्मयोग हुआ। और यही योगा कर्मसु कौशला, इसी में कर्म की कुशलता है। तो हमारा किन चीजों पर ध्यान जाता है, एक के भविष्य में क्या फल होगा जिसको हम कहते हैं ख्याली पुलाव पलक पकाना, दूसरा ये है कि भूतकाल में क्या हुआ था खास करके युद्ध में, तो हम पहले ही चिंता करने लगते हैं कि शत्रु ने हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र किया था, ये किया था, वो किया था, उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी जो शस्त्र चल रहे हैं अस्त्र शस्त्र, उनका प्रतिकार कैसे किया जाए, आक्रमण कैसे किया जाए, केवल इस पर ध्यान देना है। जैसे इसराइल ने फेजर विस्फोट के लिए 2 साल तक तैयारी की थी, सही अवसर खोज रहा था, ठीक उसका प्रयोग कर दिया, ये भी एक कर्मयोग है। तो दूसरा ये है कि कर्म में जैसे भविष्य की चिंता नहीं करें, कर्म फल के लिए करें कि नहीं, माँ कर्मा फल है, तो कर्म फल पर हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार इस अर्थ में नहीं है कि हम कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, लेकिन पूरा फल कितना फल मिलेगा वो परिस्थिति पर निर्भर है। जैसे हमने खेती कर दी, बीज रोप दिया, अब कितनी वर्षा होगी क्या होगा उस पर फल निर्भर है। तो हमारे ऊपर और परिस्थिति भगवान दोनों के ऊपर निर्भर है इस अर्थ में, और बिना फल के उद्देश्य के कर्म नहीं होता है। लिखा भी है द्वितीय अध्याय के 41वें में कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदना, कुरुनंदना इसलिए कहा कि अगर काम करना है तो एक ही व्यवसाय का बुद्धि रखो, अगर इधर उधर के भटकने पर वो फिर वो बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसाय, जो काम नहीं करना चाहते उनके उनका मन इधर उधर भटकता है, एक निश्चित करके आप काम कीजिए और उस पर अड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सर जी। जी मेजर साहब
मेजर सुदर्शन जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक से? हाँ, अब क्लियर। हाँ सर, मेरा जी मेरा प्रश्न बेसिकली था कि इसको हमने तीनों चारों एंगल से देखा। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यू पॉइंट ये लेकर के चलें कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशंस को लेकर के, जिसको हम कहेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल व्यू पॉइंट, और दूसरा फिर उसका एक एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर, कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एज ए पर्सन एक वेसल हुआ, मेरे कर्म, मेरी क्रियाएं और मेरे कार्य, ये मुझसे रिलेट करते हैं, जो मेरी एक स्पेसिफिक रियलिटी हो गई एज ए पर्सन। और यूनिवर्सल में मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मेल एंड प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दो अलग अलग लेवल्स पर इसको देखना पड़ेगा, एक यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखना पड़ेगा और एक इसको पर्टिकुलर फॉर्म में देखना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल। तो जब हम बात करते हैं कर्म की, तो इसमें एक मूल पॉइंट निकल कर ये भी आया कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बिना कोई भी कर्म संभव नहीं है, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन जो जहां से स्टार्ट होती है, स्पेसिफिकली क्लासिकल फिजिक्स जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें कि न्यूटन्स लॉ को हमने इंक्लूड किया, और वो कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि चेंज इन स्टेट, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो या चेंज इन स्पीड हो, तो चेंज इन स्पीड को हम एक्सेलरेशन मान करके चलते हैं। लेकिन ये जो मास है और एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ये फोर्स क्रिएट हो रही है, बिकॉज कार्नोट साइकिल का जिक्र हुआ कि एनर्जी तो है यूनिवर्स में, लेकिन सारी एनर्जी यूजेबल नहीं है। कुछ पोर्शन एनर्जी का ऐसा है जिसको हम बोलते हैं ये एक स्टेट ऑफ एनर्जी है जो कभी भी यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। देयरफॉर प्रैक्टिकली एनी इंजन कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी, क्योंकि वो पूरी की पूरी एनर्जी यूजेबल नहीं है। और जब तक एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, जैसे सिंपल एग्जाम्पल में लें कि पोटेंशियल एनर्जी, कि पानी का ग्लास ऊपर लेवल पे रखा हुआ है, वहां से जैसे ही पानी नीचे गिरता है या झरना बनकर नीचे गिरता है, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उसकी वजह से, उस मोशन की वजह से फिर कोई और काम लिया जा सकता है, उस चेंज ऑफ स्टेट की वजह से। राइट, तो ठीक है, तो ये एक चेंज ऑफ स्टेट हुआ। और तीसरा, जिसमें कर्म की हमने बात की, अभी तक हमने उसको कर्म को कार्य से ही देखा लगा करके, लेकिन अकर्म भी एक कर्म है, ऐसा गीता में कहा गया है कि यदि आप कुछ नहीं करते हैं तब भी वो कर्म में ही काउंट होगा। यानी कि जो एक एग्जाम्पल हमने बीच में सुना कि यदि कोई अपने सर पर एक बक्सा लेकर के खड़ा हो जाए और उसके बाद कुछ ना करे, तो क्या वो वर्क में काउंट होगा या वर्क में काउंट नहीं होगा? तो मानना ये है कि किसी सिस्टम को एक बैलेंस में रखना, यानी कि मैं अगर फिजिकल स्टेट में अभी मौजूद हूँ तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी फोर्सेस को बैलेंस कर रहा हूँ, यदि वो फोर्सेस कोई भी एक भी इधर से उधर हो जाएंगी तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये बैलेंस ऑफ फोर्स जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, इसको भी हम कह सकते हैं कि अकर्म होते हुए भी एक कर्म हो रहा है, यानी कि मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ जहाँ पे मैं कोई भी मेरा अगर कंट्रीब्यूशन नहीं है, तब भी वो मेरा कंट्रीब्यूशन ना होना भी एक कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज जैसे ही मैं कुछ करता हूँ वहां से फिर एक स्टेट चेंज होती है, उस चेंज ऑफ स्टेट की वजह से सिस्टम के अंदर फर्क पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि यदि हम एक सिस्टम का हिस्सा हैं, और चूंकि मुक्ति का कंसेप्ट ही इसलिए निकल करके आ रहा है बिकॉज हम कहीं ये मान रहे हैं कि हम ट्रैप्ड हैं, हम कहीं कैप्टिव में हैं, किसी उसमें फंस गए हैं स्थिति में जहां से हम निकलना चाहते हैं। तो अब बात ये है कि जो हमने बोला कि ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर का व्यू पॉइंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जहां बात करते हैं, कि जो जीवन है वो कैप्टिव है, या जीवन के बाद यदि कुछ स्थिति है तो वो कैप्टिव स्थिति है। तो मुक्ति, तो मुक्ति का एक तो डेफिनेशन, दूसरा ये कि साइकिल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे हुई वाटर साइकिल की, कि समुद्र से पानी एवेपोरेट होकर के बना, बादल बना, उसका बरस गया, लेकिन क्या हम उसमें ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक बूंद का, एक स्पेसिफिक ड्रॉपलेट का मूवमेंट कैसा था और उसका मूवमेंट ऐसा ही होगा, तो क्या हम उसकी स्थिति निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि मेरे एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे
जब मैं मुक्ति के मार्ग की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी गति की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गति सिर्फ अकेले की गति नहीं है, क्योंकि व्हेन आई एम पार्ट ऑफ सिस्टम देयर आर सो मेनी इंटरकनेक्टेड थिंग्स। मतलब जैसे मुझसे आकर के कोई टकराया, ये मेरी गति नहीं थी, लेकिन उसके आने से टकराने से मेरी गति बदल जाएगी। तो ये कह लेना कि सिर्फ मैं अपने कर्म पे कंट्रोल करके या अपनी स्थिति को खुद ही मैनेज कर सकता हूँ, इसमें कहीं एक विरोधाभास खड़ा होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी थोड़ा सा प्रकाश डालना खासतौर पर मुक्ति के, हाँ, और खासतौर पर मुक्ति के संदर्भ में। अन्यथा कर्म कार्य और क्रिया का महत्व नहीं रह जाएगा, चाहे वो दृष्टा बन करके हो या जो है, चूंकि हमारी नियति है कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है और उसके लिए हमें कुछ करना जरूरी है, खाना तो हमें जरूरी। ठीक है, आपके प्रश्न को जरूर इसमें लेते हैं। जी, ये जीवन तो हम राइट उसके ऊपर एक लेयर जो सोशल लेयर हमने चढ़ा दी है, जो इंस्ट्रक्शन हमने खुद डाली है। जी जी ठीक है, आपका प्रश्न जो है अच्छा रुचिकर है, इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम ले लेंगे। जल्दी से बहुत संक्षेप में डॉक्टर योगश्री नाथ जी और डॉक्टर इंदु जी अपनी अपनी बात बहुत संक्षेप में रखें, और उसके बाद डॉक्टर अखिलेश जी, फिर हम। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी विद्वत जनों को मेरा नमन। सर मेरा एक प्रश्न है, आप हमारे तो ज्ञान देने वाले हैं, नाथ संप्रदाय से नहीं। तो प्रश्न आप सर, हमारे यहाँ एक क्रिया की जाती है, जब साधु खत्म हो जाता है तो उसको समाधि दे दी जाती है, और तीसरे दिन एक ऐसे सीढ़ी नुमा आकृति बनाई जाती है और एक पिंड बनाया जाता है, और फिर उस पिंड में उस संत का आह्वान किया जाता है, और फिर वो सारी चीजें बताते हैं। ऐसी क्रिया पहले होती थी, अब तो केवल सांकेतिक होती है, तो क्या ऐसी चीजों को भी क्रिया कर्म कार्य से जोड़ा जा सकता है, या योग से जोड़ा जा सकता है, या इनका साइंस के द्वारा कोई सिद्ध किया जा सकता है क्या इन चीजों को, ऐसी चीजों को? चलिए देखते हैं आप तो और एक बिल्कुल ही अलग आयाम में ले गए हैं, लेकिन हाँ सर, वो सर ने वो पिंड वाली बात की ना, तो ये पिंड पिंड ही बनाया जाता है वो भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। मैं ये भी प्रश्न गंभीर प्रश्न है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ये अपने दादा गुरु से सुना है और पढ़ा भी है, लेकिन अभी ये क्रिया होती नहीं है, सांकेतिक होती है। जी जी मैं समझता हूँ, अभी ले लेते हैं इस प्रश्न का अभी रिस्पॉन्स ले लेते हैं। जी मैडम इंदु जी। सर नमस्कार सभी को, आज किस्मत की बात है कि मेरे घर में भी यही सब चल रहा है ना, तो मैं इसको ध्यान चला गया, हालांकि मैं बहुत व्यस्त हूँ तो बहुत कम नहीं बोल पाऊंगी, है ना। तो मैं इसे बोल रही थी एक तो कि कर्म को तो मैंने अभी पूरा समझा नहीं, लेकिन ये है कि कर्म से ही सब कुछ है, चाहे आप धर्म करो चाहे मत करो, पाप पुण्य सब कर्म से ही जुड़ा हुआ है ना, ये मैं आपकी चर्चा में समझ पाई, पूरा सुन भी नहीं पाई। दूसरा ये कि है ना, जो जैसे जो वो है मनमंत्र से जो वंशावली आ रही है, डीएनए चला आ रहा है, तो हमने राम को पहचान लिया, राम के वंश को उपन्यास ने आधारित किया, ये भी एक वैज्ञानिक आधार है कि जीव के अंदर वो चीज चलती आती है, वैज्ञानिक चीज है ये, वो गुण भी चलते आते हैं। और दूसरा ये चीज है कि जैसे ना वो पुस्तक थी ना, मुक्तानंद जी बोलते हैं 5 dimension से आके कि वहां से इंद्रियां है ना, कोई सी भी इंद्री कोई सा भी काम कर सकती है ना। अब ये पता नहीं ये विषय से संबंधित चर्चा है कि नहीं है, और वो सुन भी सकती है, बोल भी सकती है, और इसको स्पर्श भी का भी अनुभव होता है, तो हम 3 dimension में उस चीज को एक जो अंध दिव्यांग है उसको समझ सकते हैं कि वो त्वचा से उसको स्पर्श करके समझता है, तो क्या ऐसा माना जाए कि हर अंग की एक अलग चेतना है 3 dimension में भी? चलिए, और क्योंकि जब उसको हील किया जाता है मंत्रों के द्वारा तो वो अंग हील भी हो जाता है, तो हमेशा समझे कि मानव अपन मस्तिष्क चेतना और आत्मा तक है, लेकिन हमारे अंगों की भी अलग चेतना है, ऐसा भी है क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद। जी डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी,
सभी सभी विद्वान जनों को नमन करता हूं। डॉक्टर जादू जी ने और कई लोगों ने कुछ बातें उठाई हैं, उसमें मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। एक तो जेनेटिक्स की बात उठाई थी, F1, F2, F3। तो जो भी हर जीव में जो क्रोमोसोम्स आते हैं पेडिग्री से अपने पेरेंट्स से, वो विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से बढ़ते जाते हैं। तो जो वनस्पति में हम नई वैरायटी निकालते हैं, उसमें जब बहुत सारी लाइन हमारे सामने होती हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छी लाइन होती है और हमारे हमारे ऑब्जेक्ट के अनुरूप होती है, उसको हम छांट लेते हैं, एक बात। लेकिन मनुष्यों में वो चीज जो है माता पिता से आगे चलती आती है, और हमारे पूर्वजों की और हमारे माता के पूर्वजों के भी हमारे करैक्टर उसमें आते जाते हैं। ये एक भौतिक रूप से हमें इसको जो है समझना चाहिए। दूसरी बात, अभी एक बात चल रही है पिंड की, और अभी एक हमारी बहन ने बात उठाई, तो इसके लिए मैं सभी से बहुत क्षमा चाहते हुए और बहुत ही विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने समझा है वो मैं ये बताना चाहता हूं कि वृत्रण उपनिषद के अंदर ये उल्लिखित है कि मनुष्य की जैसे ही मृत्यु होती है, उसकी आत्मा निकल के दूसरा शरीर धारण कर लेती है ईश्वर की व्यवस्था से, और उसमें उतना ही समय लगता है जितना समय जो सुंडी एक पत्ते से उठ के दूसरे पत्ते पर जाती है, यानी बहुत कम समय में। अन्य स्थानों पे भी ये उल्लिखित है कि जो आत्मा है वो ईश्वर की व्यवस्था से बहुत कम समय में नया जन्म ले लेती है। पुनर्जन्म का आधार भी यही है, और जो उसका जन्म होता है वो उसके द्वारा किए गए पूर्व जन्म और पूर्व जन्मों के कर्मों पे के ऊपर निर्भर रहता है, जो कि ईश्वर की व्यवस्था से होता है। तो अगर शरीर से आत्मा निकल गई है, तो उस शरीर के साथ या उस शरीर के बाद में कोई भी क्रिया की जाती है, तो वो हमारा सामाजिक रूप से संबंध रखती है, उस आत्मा से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा वेदादि शास्त्र कहते हैं, ऐसा हमारा धर्म जो है कहता है। अब ये बात सही है कि ये मेरी बात अब शायद सभी लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन ये तर्कपूर्ण बात है कि व्यक्ति को उसके द्वारा किए हुए कर्मों का ही फल मिलता है, ऐसा वेदों में लिखा है। किसी दूसरे के किए हुए कार्यों से उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अगर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो योग दर्शन और दूसरे दर्शनों के माध्यम से वो स्वयं प्रयास करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अगर मेरी बात से किसी को दुख हुआ हो, क्योंकि अक्सर दुख 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 होता है, तो मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ और माफी चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने जाना है वो मुझे कहना आप लोगों के लिए अभिनेता। धन्यवाद। नहीं नहीं, क्षमा वाला कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो चर्चा है और अपनी अपने व्यू पॉइंट भी है, अपनी समझ है, लेकिन उस वक्तव्य के साथ जुड़े हुए कई सारे और प्रश्न आ जाते हैं कि जो कर्मों का संग्रह है उसका क्या होता है और हमारे संबंध क्या होते हैं। उस सारे विषय को हम जरूर लेंगे जब हम कर्मकांड के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके सौंदर्य और विज्ञान पे तब इस सारे विषय को लेंगे। कि मेरा एक अनुरोध था डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें हम समझते हैं कि देहांत के बाद हमारी जो आत्मा है वो निकल के चली गई और दूसरा गर्भ देखेगी कहाँ उसको जन्म लेना है, किस योनि में जाकर के कर्म के हिसाब से। मेरा इसमें एक फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत जरूरी, जो मैंने आपको कहा ना हमारा फिजिक्स के बिना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। हम धरती पर रहते हैं तो 24 घंटे की व्याख्या में पूरी फिजिक्स को एस्टेब्लिश करके बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स भी हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो हम उसको बेसिस ले लेते हैं अर्थ की रोटेशन का, टाइमिंग 24 आवर्स का ले लेकर के चल देते हैं। लेकिन हमारे ही शास्त्र हमको पढ़ाते हैं कि हमारी जो देह अंत है उसके बाद हमारी जो आत्मा है वो कहीं भी 7-8 लेयर्स में ट्रेवल करती है पुनर्जन्म होने से पहले, कि उसको कौन सा रेल्म लेना है उसके कर्म फल के हिसाब से, पुनर्जन्मों के हिसाब से।
जिसमें वो गिनती करते हैं आकाश पाताल, जिस तरह से उन्होंने टर्मिनोलॉजी उस वक्त रखी हुई है, अगर आकाश पाताल का मतलब है कॉस्मोस, तो अगर मेरी आत्मा को जाना है यहां से नेपच्यून पे, वहां की टाइमिंग तो अलग है, और अगर मेरी आत्मा को जाना है किसी और गैलेक्सी में, वहां की टाइमिंग तो अलग है। टाइम तो मेरे लिए तो बड़ा इलास्टिक है, मैं उसको 24 घंटे में गिनता हूं। मून वाला तो अपने हिसाब से गिनेगा, नेपच्यून वाला अपने हिसाब से गिनेगा, मरकरी वाला अपने हिसाब से गिनेगा। तो मेरा टाइम सबसे बड़ा इलास्टिक है। जी जी जी। तो अगर ये टाइम इलास्टिक है, तो किसी भी योनि में मुझे दोबारा जन्म लेने के लिए एक आत्मा को, मैं तो उसके टाइम से हिसाब से चलूंगा, मैं थोड़ी ये धरती के टाइम 24 घंटे के हिसाब से चलूंगा। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद जी। डॉक्टर रवि शर्मा जी, और उसके बाद किसी और का कोई वक्तव्य हो तो प्लीज। मैं एक बहुत छोटे से पॉइंट पे, सबसे पहले उसके तो बाद राजेंद्र शर्मा जी। हाँ, राजेंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मुझे सुन सकते हैं क्या आप सब? जी हाँ, सुन तो राजेंद्र प्रसाद जी को सबसे पहले इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया और हमारा बैकग्राउंड सबका ठीक कर दिया उसमें। और उसमें सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात ये मिली मुझे कि क्रिया कारकों से जुड़ी हुई है, सारे कारकों से। ये वाक्यपदीय का जो आपने दृष्टांत देके दिया बहुत ही गजब। क्रिया जनकम कारकम, ये तो है ही है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था और मैं ढूंढ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा मिल गया, धन्यवाद। दूसरा, जादू जी मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप हर चीज में फिजिक्स देखते हो, पर मेरी समस्या यह है एज ए फिजिसिस्ट, और डॉक्टर वर्मा प्लीज नोट, मैं एज ए फिजिसिस्ट मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मैं कॉग्निशन के बिना फिजिक्स नहीं समझ सकता। कॉग्निशन का मतलब लाइफ, एंड लाइफ मीन्स माइंड की पर्टिकुलर स्टेट जो कॉग्निटिव स्टेट है, इसमें हमें समझने की शक्ति है। ये जीवन का आधार जो है उस लेवल पे हो तभी फिजिक्स समझ सकते हैं। तो हम लोग भी लाइफ फोर्सेस से जुड़े हुए हैं पहले, वो हमारे एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब भी करता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के सेंस में या दृष्टादृष्ट दिग्दृश्य विवेक के कारण, और या ये हमको जोड़ता है। तो कॉग्नाइजर इज द फर्स्ट रियलिटी वी हैव टू फेस, इवन दो वी आर टॉकिंग ऑफ प्लैंक स्केल और इवन बियॉन्ड और यूनाइटिंग फाइव फोर्सेस ऑफ नेचर। तो एक ये पॉइंट करके चुप हो रहा हूँ। दूसरी बात, जादू जी को, जादू जी एक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो बीज है वो ऊपर क्लोरोफिल की तरफ और जड़ें नीचे की तरफ क्यों जाती हैं? ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका जरूर बॉटनी में और बायोसाइंसेस में जरूर इसका विवेचन है। लेकिन एक जगह और आप देखना, स्पेस में हमने विदाउट ग्रेविटी, ऑलमोस्ट विदाउट ग्रेविटी, इसको हम माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं, उसमें हमने सब तरह की वेजिटेबल्स उगाई हैं, सब तरह के छोटे छोटे प्लांट्स उगाए हैं और उनका बिहेवियर देखा है, और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये जो चीजें हैं जुड़ी हुई हैं, इनके सिद्धांत हम धीरे धीरे जैसे रिसर्च हो रही है हम खोजते हैं, पर इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश जी वर्मा आपको और अपने उपाध्याय जी को जरूर जुड़ना चाहिए, दोनों के काम बड़े गूढ़ हैं और मैं भी आपकी मदद करूंगा। अंत में मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और राजेंद्र प्रसाद जी के विद्वत्ता को, जो शास्त्रीय विद्वत्ता है, उसको भी प्रणाम करता हूं और नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे बहुत संदेह था अपने ऊपर कि इस सारा विषय ये वस्तुतः युक्ति युक्त भी बनेगा कि नहीं बनेगा, और लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से इस विषय के अनेक आयाम सामने उपस्थित कर दिए, मुझे लगता है कि मुझे सारा विषय दोबारा से समझने की जरूरत है और दोबारा इस पे एक व्यवस्थित चर्चा और करने की अपेक्षा है। और
मेरे लिए बहुत संतोष की बात है आप सबने रिस्पॉन्ड किया इस सारे विषय के ऊपर, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। लेकिन इस चर्चा की पूर्णता और इसमें जो आहुति है उसको देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को कि वो संक्षिप्त सी इसके ऊपर अपनी जो है टिप्पणी, अध्यक्षीय टिप्पणी जो है वो हमें प्रदान करें और उसके बाद हम सभी विश्राम लेंगे। जी अनम्यूट कर लें सर। आज की इस संगोष्ठी में बहुत से उत्कृष्ट वक्ताओं को सुनने का मुझे सौभाग्य मिला और बहुत अच्छी विवेचन हुआ, सबको मैं धन्यवाद देता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कुछ प्रश्न भी उठाए गए, प्रश्न उठने भी चाहिए, मैं एक दो टिप्पणी करूंगा और ज़्यादा नहीं करूंगा। तो एक तो इसमें ये था कि जो कर्म सिद्धांत गीता में कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वस अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते, जिसे हम कर्ता मानते हैं वो कर्ता होता नहीं है असल में। जैसे मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये सत्य है, पर मैं तब बोल रहा हूँ जब मेरे को आस्पद मौका दे रहे हैं, अगर मौका ही नहीं मैं बोल सकता हूँ क्या? तो इसलिए हर क्रिया में बहुत से लोग होते हैं, जैसे हम समझते हैं क्रिया एक ही आदमी करता है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैं बोलना क्रिया कर रहा हूँ पर अगर मेरा नंबर ही नहीं आया या मुझे नहीं चांस मिला तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? इसमें जो करवा रहा है वो कहता मैं करवा रहा हूँ। तो कर्ता कारयिता, हर क्रिया में क्या होता है, कर्ता होता है, एक कारयिता होता है जो क्रिया को करवाता है, और एक अनुमोदक कर्ता होता है कि अब जैसे रवि जी कुछ बोल रहे हैं तो उससे कुछ अलग प्रेरणा मिलती है, तो एक अनुमोदन कर्ता होता है और एक सहायक कर्ता होता है। तो कोई भी क्रिया इन चार के बिना संभव नहीं हो सकती, ऐसा मनुस्मृति में मनु कहते हैं कि कर्ता कारयिता और अनुमंता और सहकर्ता, कि एक सहकर्ता है जो साथ जुड़ा हुआ है, तो चार चीजें जुड़ती है। तो इसलिए कर्म सिद्धांत का विवेचन हम जो कर रहे हैं कि जैसे एक प्रश्न उठाया अभी अखिलेश जी ने कि भाई मेरा अकेला कर, अकेला कर्म नहीं होता, ये प्रश्न सुदर्शन जी ने उठाया कि अकेला मुक्ति, तो अकेले की मुक्ति नहीं होती है, हम लोग सब जुड़े रहते हैं और जुड़े रहते हैं। इसलिए जब मुक्ति का प्रश्न उठता है इसमें गुरु परंपरा की बात आती है, और गुरु परंपरा है कुल परंपरा कि भगवान से लेकर के हमारा कुल एक होगा तो हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। खाली में मेरी अकेले की मुक्ति नहीं हो सकती है, हम मुक्ति तभी करेंगे जब हमें उस मुक्ति के मार्ग से जुड़ना पड़ेगा। तो मैं गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, प्रात्पर गुरु, इस तरह से भगवान को भी योग सूत्र में गुरु कहते हैं कि सब गुरुओं का गुरु भगवान है, सर्वेषां गुरु काले न अवच्छिन्न, कि वो गुरु काल से अवच्छिन्न नहीं है। तो जब तक हम ईश्वर तक जुड़ते हैं तो उसके बीच में बहुत से सेतु होते हैं, उन सेतुओं से जुड़ने पर हमारी मुक्ति होती है, व्यक्तिगत मुक्ति नहीं होती है। कभी भी ऐसा सोचते हैं कि एक व्यक्ति की मुक्ति होगी, एक व्यक्ति का कार्य होगा, ऐसा होता ही नहीं है, कार्य हमेशा समूह का होता है, तो कई चीज होते हैं। दूसरी जो बात थी इसमें सपिंडीकरण की बात आई जो जो इन्होंने उठाई दादू साहब ने, तो वो सपिंडीकरण क्या है कि सपिंडीकरण श्राद्ध जो होता है वो 13वें दिन होता है, और उसमें हम तीन पितरों को बुलाते हैं। पितर क्या होते हैं? तो हमारे अंदर प्राण जो होते हैं, प्राण के तीन भेद होते हैं, ऋषि प्राण, देव प्राण और पितृ प्राण, तो तीन लोग होते हैं, तीनों को मिलकर के प्राण बनते हैं, इससे इंद्रिय क्रिया और मन बनते हैं। प्राण जो होते हैं, प्राण जो है, प्राण के साथ में इंद्रियां और मन जुड़ा हुआ रहता है। तो सूर्य से हम बुद्धि लेते हैं, चंद्रमा से हम मन लेते हैं, चंद्रमा मन से जाता है, सूर्य चक्षुर जाता है, तो सूर्य से हमें ज्ञान मिलता है और उससे बुद्धि मिलती है, और बाकी जो हमारी कर्तृत्व शक्ति है वो हमें माता पिता से मिलती है, माता पिता को उनके माता पिता से, उनके माता पिता से, इस तरह से कहते हैं कम से कम हमारे अंदर तीन पुरुष का तीन पीढ़ियां होती है कि मुझे सपिंडीकरण साध में पिता, पितामह और परपितामह को बुलाना होता है। अगर माँ का साध होगा तो मैं पिता पितामह को नहीं बुलाता हूँ, मैं उनकी मतलब दादी परदादी उनको बुलाता हूँ। तो ये भेद है कि उनको हम आवाहित कर रहे हैं, उनको तीनों का आवाहित करते हैं, उनका हम पूजन करते हैं। आवाहित क्या है कि उनका शरीर हम मानते हैं कि वो वायु स्वरूप के रूप में आते हैं, वो वायु के स्वरूप में हम कहते हैं पृथ्वीर देव याने सुधया मदंतो अश्विन यज्ञ सुधया मंतो, हे देवता, हे पितरों, आप यहाँ मेरे आओ। तो जिनसे मेरा जो शरीर बना है, मेरे पिता से कितना बना, पितामह से कितना बना, परपितामह से कितना बना, इनका भी हमने हिसाब लगा रखा है, मातामह। तो 84 कलाएं एक पुरुष में होती है, इस पर ओझा जी ने अपने सपिंडीकरण विज्ञान में पूरा सिद्ध किया कि वेदों में ये बात है कि हमारा शरीर केवल एक का नहीं है, हमें सबका अंश मेरे अंदर आता है, तो मेरा DNA बनता है कि हम पिता से भी लेते हैं, माता से भी लेते हैं, और दोनों से हमारा शरीर बनता है। उन तीनों को बुला करके उनकी पूजा की जाती है, अलग से प्रेत की पूजा की जाती है, जो मृतक है उसको प्रेत बोलते हैं, उनको पितर बोलते हैं। प्रेत का अर्थ है कि वो यहाँ से उसका संबंध टूट गया, संबंध क्या टूटा कि मृत्यु होती तो शरीर बाहर नहीं जाता है, जैसा लोग कहते हैं कि शरीर बाहर से शरीर रह गया
आत्मा चलेगी, आत्मा जाती नहीं है, आत्मा का जो स्थान है आत्मा को सभी दर्शनों में विभू कहा गया है। आत्मा सर्वव्यापक होती है, आत्मा ऐसा नहीं है कि एक शरीर में रहती है, शरीर में नहीं रही आत्मा, आत्मा सर्वत्र होती है और सभी दर्शन आत्मा को विभू मानते हैं कि आत्मा जो है विभू होती है, इटर्नल होती है, व्यापक होती है, इसलिए आत्मा मरे हुए शरीर में भी रहती है, खाली प्राणों का गमन होता है। जैसे हम कहते हैं प्राण गति रुकती है, प्राणों का गमन जो है वो ऊर्ध्वगमन होता है, यानी ऋषि प्राण, देव प्राण, ये सूक्ष्म प्राण जो है तीनों निकल जाते हैं, तो उन प्राणों का आह्वान करते हैं, उसे हम पितर कहते हैं, कि वो पितर जो है हमारे तीन पीढ़ी के आते हैं, चौथा प्रेत होता है उनके, फिर इनके चारों के चार पिंड अलग ले दिए जाते हैं, पिता का पिंड अलग होता है, जो प्रेत का पिंड वो अलग है, पिता पितामह उसके पिता पितामह प्रपितामह, इन तीनों के तीन पिंड दिए जाते हैं। अब जो प्रेत का पिंड है उसके हम तीन टुकड़े करते हैं, तीन टुकड़े करके उसमें एक पितामह में मिलता है, एक प्रपितामह में और एक वृद्ध प्रपितामह में, तो तीन टुकड़े मिला देते हैं। अब तीन टुकड़े मिलाने के बाद में हमारा एक पितर कम हो गया, सपिंडकरण का अर्थ है कि सपिंड का अर्थ है शरीर मिलना, तो जैसे ही हमने इस पिंड को उनमें मिला दिया तो हमारा एक पिंड कम हो गया, उस दिन से हमारा एक पितर कम हो जाता है। अब हमारे जो मरा है उसको हम पितर मानते हैं, तो सपिंडीकरण 7 साल के 1 साल बाद किया जाता है, ऐसे नियम ऐसे ही है, प्रकार कलयुग में आप 12वें दिन कर लेते हैं, तो 12वें दिन हम सपिंडीकरण साध करते हैं, तो उसमें पिंड मिला करके उनको पिंड को मिलाते हैं, इसको सपिंडीकरण कहते हैं। अब कहते हैं इसके ऊपर के भी प्रेत हैं, इसके ऊपर के पितर हैं, तो वो कहते हैं इसके ऊपर के जो पितर हैं उनको लेप भाग भुजा पितस्त्रिपंतु, कि वो उनको लेप भाग पितर कहते हैं, और उससे ऊपर के पितर उनको विश्वीय देवा कहते हैं। तो विश्वीय देवा का अर्थ है कि जो हमारे देवता हैं, जो सूर्य की जो 8 मूर्ति हैं शैव दर्शन में, शाक्त दर्शन में जो ब्राह्मी माहेश्वरी आदि हैं, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वो 8 शक्तियां होती हैं, तो उनको हम विश्वीय देव कहते हैं। तो विश्वदेव 2 आते हैं, उसी को कहते हैं प्रजापति। तो प्रजापति विश्वदेव का भी उसमें योग्यता, उनका पिंड नहीं लगता है, कि वो विश्वदेव जो है वो इन 7 पीढ़ी से ऊपर होते हैं, 7 पीढ़ी तक हम जो है उनका हम सपिंडीकरण साध करते हैं। तो इस तरह से हम जो है उसे उसकी प्रेत संज्ञा खत्म कर देते हैं, कि वो प्रेत जो था वो प्रेत अब नहीं रहा, और उसे एक सूक्ष्म शरीर तो मिलता ही है, कि जब आत्मा के साथ में इंद्रियां मन प्राण तीनों जाते हैं, खाली प्राण जो है उस प्राण के साथ उसको एक दिव्य शरीर मिलती है। तो स्थूल सूक्ष्म और कारण 3 तरह के शरीर होते हैं, ये जो शरीर है ये स्थूल शरीर है जिसको हम देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर जो है उसको इंद्रियां कहते हैं, कि ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां और के साथ जो मन है वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इसके बाद में कारण या बीज शरीर होता है, तो जो बीज शरीर है उसका ये संस्कार किया जाता है कि उसको बीज शरीर की प्राप्ति हो जाए, और सपिंडीकरण के बाद में उसे कोई ना कोई शरीर मिलता है। तो ये इसकी एक प्रक्रिया है जिस पर मैंने कुछ बात डाली, जिस पर अगर आप जाएं तो भविष्य में चर्चा कर सकते हैं। और एक जो दूसरा प्रश्न था कि वो जो क्रिया का जो प्रश्न है भाषा का, कि क्रिया क्या है, और क्रिया न वही तुम कार्यकर्तुम, हमारी जो परिभाषा है कि क्रिया से जो अन्वित होते हैं वो कार्य कहलाते हैं। क्रिया का जो कर्ता है, कर्तृभाव जिसमें वो कर्ता होता है, जिसको किया जाता है वो कर्म होता है, जिसके द्वारा किया जाता है क्रिया को वो करण होता है, जिसके लिए किया जाता है वो संपदान होता है, और जिससे अलग होते हैं तो बीजात अंकुर हो जाते हैं, तो तब उसमें वो कहते हैं उसमें अपादान होता है, और जिसमें होता है अधिकरण में। तो ये जो क्रिया है कि कोई भी वाक्य की संरचना इन्हें इन 6 कार के बिना नहीं होती है, कि कर्ता कर्म करण संपदान अपादान इत्याहु कार्यकारिणी से, तो इन क्रिया का अन्वित ये परिभाषा है कि क्रिया अन्वितुम कारकत्वम, और ये क्रिया और कारक ये साधन और साध्य कहा गया। भर्तृहरि कहते हैं कि एक साधन होता है एक साध्य होता है, साधन वो होता है कि जिसकी सहायता चाहिए, जैसे एक पदार्थ होता है और एक उसकी क्रिया होती है, 2 अलग चीजें हैं। तो पदार्थ जो होता है उसे हम कहते हैं साधन, वो कारक जो साधन है उनमें शुभंत प्रकरण होता है और इनमें तिंगंत लगता है, तो तिंगंत में काल का अन्वय होता है, कि काल जो है वो तिंगंत से अन्वित होता है, क्रिया इसी में आती है, क्योंकि वर्तमान काल भूतकाल भविष्यत काल जो हम प्रयोग करते हैं वो किसकी दृष्टि से होते हैं, वो वस्तु के सत्ता से नहीं होते, वो क्रिया के सत्ता से होते हैं। जैसे मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं कल दिल्ली गया था और वहाँ एक विश्वविद्यालय था, दिल्ली विश्वविद्यालय था, अब मैं था का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय क्या अब नहीं है, मैंने था का प्रयोग क्यों किया कि मैं कल दिल्ली गया था और वहाँ विश्वविद्यालय में गया था, वहाँ एक विश्वविद्यालय है था, तो था का प्रयोग हमने क्यों कर दिया इसमें, जो वर्तमान है। तो कहते हैं कि ये जो प्रयाग है जो भी हमारा भाषा का प्रयोग क्रिया पर आधारित है, हम अपनी क्रिया से कह रहे हैं कि मैं जब गया तो वो था, अब मैं तो आ गया तो बात कल की होगी, इसलिए मेरे लिए भी वो क्रिया कल की होगी, इसलिए वो कहते हैं क्रिया जो है, इस क्रिया पर हम आगे चर्चा करें, क्रिया पर कार्य पर। और इसी के साथ मैं आप सबसे जो भी मेरी कोई गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सबने मेरे को सुनने का दिया इसके लिए मैं सादर धन्यवाद। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करें, हम तो आपकी शरण में आते हैं कि आपसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए, गलती आपसे नहीं हो सकती। और लेकिन आपकी बात सुनते सुनते ना मेरे मन में एक वो कौतूहल वश प्रश्न उठते होते हैं, जैसे वो
बच्चों के, तो वही है कि भी जैसे हम क्रिया का प्रयोग करते हैं कि वृक्ष खड़ा है, वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे, है ना, बाण में। अब वो वहां तो क्रिया तो थी नहीं कोई भी, तो तिष्ठति कैसे क्रिया होगी, खड़ा है कैसे है, चलता होगा तो खड़ा होगा। तो, हाँ, इस क्रिया के लिए उन्होंने कहा, इस क्रिया के लिए उन्होंने कहा कि जो सत्वावधारण क्रिया का अस्थि का अर्थ क्या है कि अस्थि का अर्थ है कि वो अपने आप को स्थित करा, जैसे सुदर्शन जी ने पूछा था कि वो कुछ नहीं कर रहा है, उसको हम कहते हैं अस्तित्व क्रिया, भू सत्ता आयाम, तो सत्ता उसमें सत्ता है, वो अपने आप को धारण कर रहा है, खुद को धारण कर रहा है, ये सत्ता है। अगर वो उत्पन्न हो रहा है तो उसका जन्म हुआ, उसका प्रादुर्भाव हो रहा है, अब विनाश हुआ या घटता बढ़ता, तो छह क्रिया के जो भेद करते हैं व्यासकाचार्य, तो वो छह भेद इसमें आते हैं कि भी वो अस्थि में क्या क्रिया है, तो बोला अस्थि में यही क्रिया है कि किसी का होना क्रिया की, अपने आप को धारण कर रहा है, अपने आप को जिदा कर रहा है। जी धन्यवाद सर, ये तो बस वो बाल सुलभ उत्सुकता वश मैंने आपसे प्रश्न किया। तो चलिए आज के इस चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं, यहीं पूर्ण करते हैं, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुई है इसमें। जी रमेश भट्ट जी, सॉरी आप पूर्ण होते हो पढ़ रहे थे, मगर एक मेरे को गीता का एक श्लोक याद आया जी सर, में कार्य कर्मो और क्रिया तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो मेरे को लगा श्रोताओं को आनंद होएगा। ये 18वां अध्याय का 9वां श्लोक है, कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियतेर्जुनम संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। तो पहले कार्य से चालू होता है, कार्य में यहाँ जो अर्थ किया है कि जो करने योग्य जो कर्म है उसको जब करते हैं, तो तीनों का इसमें एक ही लाइन में उपयोग कर दिया है भगवान ने, बहुत संग त्यक तक और फल छोड़ के उसको सात्विक त्याग बोलता है, बस यही मैं पॉइंट आउट करना चाहता। बाकी तो काफी जो चर्चा हुई उसमें बोल सकते हैं, मगर समय का अभाव, बाद में जब कभी मौका मिलेगा हम लोग बातचीत करेंगे। आप अपना जो है फोन नंबर हमारे साथ साझा कर दीजिए, चाहे चैट बॉक्स में डाल दीजिए या राजेंद्र जी को मालूम है मेरा फोन नंबर। मैं धन्यवाद सर भट्ट साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दे दूंगा नंबर इनके। और एक तो ये उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया, और एक किताब में जो कार्य शब्द है वो प्राय कर्तव्य के अर्थ में है, कर्तुम योग्यम इति कार्यम, कार्य अकार्य गीता में जो प्रयोग हो रहा बार बार, वो कर्तुम योग्यम कार्यम, जिसको किया जा सकता है वो कार्य कहलाता है। तो कहाँ ये टेलीफोन नंबर भेजो, वो भी आप बताइए, रमेश जी भट्ट साहब के, बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, और राजेंद्र शर्मा जी से ही इसके कारण मैं आ सका, तो राजेंद्र शर्मा जी का बड़ा धन्यवाद, हमारा मुलाकात एक श्री विद्या के सेमिनार में हुआ से तब से हम लोग संपर्क में है, बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन सुन के राजेंद्र जी। नहीं नहीं बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अभी अगले हफ्ते में हम लोग लेंगे 9-10 तारीख के बाद, नवरात्रों के बाद, लेकिन उससे पूर्व जो है मैं सूचना दे दूं कि अगला जो वेबिनार है वो डॉक्टर अग्निशेखर जी हैं जम्मू से, श्रीनगर से, वो श्री लल्लेश्वरी के ऊपर जो है वो अपना व्याख्यान देंगे, क्योंकि मेरी अब ये इच्छा है कि एक श्रीनगर से लल्लेश्वरी देवी जी और दूसरी तरफ जो साउथ इंडिया में अक्का महादेवी हैं उनके ऊपर जो है वो दो लेक्चर्स जो हैं वो अभीष्ट हैं, और फिर उसके साथ साथ जो है हम बाकी और जो कलाएं हैं विज्ञान हैं उनके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे, और आप भी जिस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहें वो आप मुझे सूचित कर सकते हैं मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे, और उनको मैं टेकअप कर लूंगा धीरे धीरे समय के साथ। लगभग हफ्ते में मेरा प्रयास होता है कि दो चर्चाएं हम आयोजित कर लें, क्योंकि उससे ज्यादा क्षमता मेरी भी कई बार नहीं हो पाती, प्रेजेंटेशन बनाने में और ये सारा विषय समझने में पढ़ने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों के इस ज्ञान का जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और इसी तरह से इस सत्संग में, ये मेरे लिए तो ये सत्संग ही है, नाम वेबिनार का जरूर है लेकिन ये है तो सत्संग ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कविराज का जो होना था हो गया सम्मेलन, कविराज का एक होने वाला था ना, गोपीराज कविराज, नहीं वो सर अभी सब पोस्टपोन ही चल रहे हैं, थोड़ा डिले हो जाता है बीच में, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। अखिलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आदरणीय मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूँ, जब भी आपको उचित लगे सर्वप्रथम ईश्वर पर चर्चा की जाए, क्योंकि जब तक हम ईश्वर को नहीं समझेंगे तब तक और दूसरी चीजों में उलझते रहेंगे और
एक विवाद की स्थिति बनती रहेगी। तो सबसे पहले ईश्वर, जीव और प्रकृति, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, ऐसी मेरी सब विद्वान जनों से प्रार्थना है। जी निश्चित रूप से करेंगे, ईश्वर पर भी चर्चा रख लेंगे, लेकिन अभी ये जो एक दो चर्चाएं हैं ये निश्चित हैं, तो मैं निश्चित रूप से इसको एक दो हफ्ते के अंदर अंदर ले लूंगा, ईश्वर का भी जो है वो विचार करेंगे। जी धन्यवाद डॉक्टर जी, धन्यवाद। तो आप सभी जो है इस वक्त मीटिंग छोड़ सकते हैं, यहीं पे आज इसको विश्राम देते हैं। धन्यवाद सर, एवरीबॉडी थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर मीटिंग थी, बहुत पूरी तो नहीं सुन पाई, कोई बात नहीं,